हेलो एवरीवन वन सुपर डुपर इवनिंग टू एवरीवन नीचे आप देख सकते हो आपको एक चैट बॉक्स दिख रहा होगा वहाँ पर ऑडिबल एज वेल एज विजिबल आप लिख कर बताइए तो आज होने वाला क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ एज आज डे वन का ट्रेनिंग मैं लेने वाला हूँ सीसीटीवी कैमरा के ऊपर तो टुडे विल बी अ ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन टू सीसीटीवी कैमरा एंड एवरीथिंग जो भी गेमिफिकेशन uh, है उसके बारे में मैं बात करूंगा बट बिफोर दैट मैं आप लोगों को कुछ क्लैरिटी पर्पज के लिए बताना चाहता हूँ जैसे कि अगर हम आप सभी लोगों को मेरा व्हाइट बोर्ड दिख रहा होगा राइट right? कोई भी डाउट अगर आप पूछना चाहते हो तो आपके पास में क्यू एन ए बॉक्स है उस क्यू एन ए बॉक्स में डाल के छोड़ दीजिए मेरा जब भी ध्यान जाएगा क्यू एन ए बॉक्स पे मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा बट एज ऑफ नाउ अभी आप सीखने आए हो तो मैं चाहता हूं कि कम से कम डाउट इनिशियली आप मुझे पूछिए बिकॉज अभी आप एक लर्नर हो तो पहले आप सीखिए उसके बाद में क्यू एन ए सेशन हम आगे चल के रखेंगे पर्टिकुलर डे बाय डे हम क्यू एन ए सेशन रखेंगे कि किसी एक दिन पे हम खाली क्यू एन ए करेंगे इस तरीके से हम सेशन को क्या करेंगे जो भी डाउट होंगे आपके क्लियर करेंगे राइट तो जितने भी लोग आ, ट्रेनिंग्स में न्यू है मेरे कोई भी ट्रेनिंग अटेंड नहीं किए जस्ट टाइप न्यू इन दी चैट बॉक्स मेरे कोई भी ट्रेनिंग्स ना आपने ऑफलाइन ना आपने ऑनलाइन कोई भी ट्रेनिंग्स आपने अटेंड नहीं किया है न्यू लिखकर बताइए लेट मी टेल यू डेट कि आज जो सीसीटीवी कैमरा ट्रेनिंग प्रोग्राम होने वाला है ठीक है इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का नाम क्या है तो इसे हम कहते हैं सीसीटीवी कैमरा प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम तो सीसीटीवी कैमरा प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम हमने डिजाइन किया है और ये ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है एंटायर हमारा लाइव मास्टर क्लास है ठीक है किसे कंडक्ट करेंगे हम हम इसको कंडक्ट करेंगे लाइव में यानी कि आपको डेली जो है ना इस ट्रेनिंग को अटेंड करना पड़ेगा याद रखिए तो अब क्वेश्चन दिमाग में एक आता होगा एज अ बिगनर कि सर डेली जो है वो कितने बजे होगा तो मैं आपको अगेन टाइमिंग यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ हम हर दिन आठ बजे हमारे ट्रेनिंग सेशंस को हम शुरू करेंगे और एग्जैक्ट हम नौ नौ पंद्रह को जो है ना मैक्स टू मैक्स हम इस सेशन को खत्म करेंगे ऑल दो हमने जो डिजाइन किया है वो वन आवर का टाइम पर हमने फ्रेम पर डिजाइन किया है कोर्सिस को क्योंकि ये लाइव तो मैं आपको ओवरलोड वैल्यू और ओवरलोड नॉलेज नहीं दूंगा एक एक दिन पे हम थोड़े थोड़े नॉलेज कंज्यूम करेंगे जिससे कि आप बेहतर तरीके से सीख पाओ और उसे प्रैक्टिस कर पाओ घर पर कि ये जो ट्रेनिंग है ये मंडे टू फ्राइडे कंडक्ट होगा मंडे टू फ्राइडे डेली वन आवर होगा हमारा ट्रेनिंग और यहां पर हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो तीन तरीके से टॉपिक्स हम कवर करेंगे यानी कि हमारे तीन लेवल ठीक है इसके अंदर, एक होता है लेवल वन एज ऑफ नाउ आप सभी लोगों को पता है जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है लेवल टू एंड लेवल थ्री फिर भी मैं थोड़ा सा क्लैरिटी पर्पज के लिए आपको बताना चाहता हूं कि लेवल वन लेवल टू और लेवल थ्री में क्या क्या होगा तो लेवल वन के अंदर हमारा हार्डवेयर एंड फंडामेंटल कवर होगा हार्डवेयर एंड फंडामेंटल आफ्टर देन लेवल टू के अंदर हम क्या कंडक्ट करेंगे हम करेंगे डीवीआर एन के ऑपरेटिंग और राइट ऑपरेटिंग एज वेल एज उनमें जो वीएमएस होता है यानी कि सॉफ्टवेयर जो होता है हमारा सीसीटीवी कैमरे के लिए उसकी भी ऑपरेटिंग हम कवर करेंगे क्लाउड कंसेप्ट को हम कवर करेंगे ये दोनों चीजों के ऊपर हमारे लेवल टू पे बातें होगी लेवल थ्री जो होता है इसके अंदर हम एंटायर एनवीआर एंड आईपी सिस्टम ठीक है विथ नेटवर्किंग हम इन सारी चीजों को सीखेंगे तो देखोगे ना तो ये एंटायर चीजों को सीखने के लिए अब आप जो है ना मेरे जिन्होंने लोग मुझे जानते नहीं है ना वो लोग मेरे बारे में सर्च कर लेना मैं कोई भी, लेता कोई भी ट्रेनिंग लेता चाहते हो और इस CCDV, के अंदर बहुत सारी चीजों को आप एक्सप्लोर करना चाहते हो एकदम डिटेल में तो ही आप मेरे इस ट्रेनिंग को एंटायर अटेंड करिए क्योंकि मैं बिगनर लोग जो लोग होते हैं ना उनको प्रो बनाने की मेरी पूरी की पूरी ताकत होती है ठीक है मैं चाहता हूं कि आप बिगनर से तो शुरू करो लेकिन आगे चल के आप पूरा प्रोफेशनल लेवल पर काम कर सको राइट तो आप जिनसे सीख रहे हो ठीक है उनको दस साल का एक्सपीरियंस है यानी कि मुझे इस इंडस्ट्री के अंदर दस साल से भी ज्यादा हो चुका है आईटी प्रोफेशन की अगर हम बात करेंगे हमने सबसे पहले हार्डवेयर नेटवर्किंग वहां से हमने शुरू किया था आफ्टर देन आज जो है मैं सीसीटीवी कैमरा एंटायर डीईएसएस के अंदर जितने भी कोर्सेज होते हैं इन सारे कोर्सेज को लेता हूँ और राइट इवन Uh, मेरी जो क्वालिफिकेशन है डेट इज आई एम एन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर तो आप डायरेक्टली ये सारी चीजें जो है ना आप डायरेक्ट इंजीनियर से सीख रहे हो तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको प्रॉपर सिस्टम इंटीग्रेटर बना सकूं प्रॉपर तरीके से आप तो आप ये सारी चीजों को सीखने के बाद में ना आपका एक डेजिग्नेशन बन जाएगा जिसको हम एस SI बोलते एस आई स्टैंड फॉर सिस्टम इंटीग्रेटर एज ऑफ नाउ अभी तो आप एज अ सीसीटीवी कैमरा कर रहे हो आगे चल के आप लोगों को ट्रेनिंग पसंद आएंगे आप मेरे और भी दूसरे दूसरे ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप पार्टिसिपेट करोगे आई नो ये बोलने वाली बात नहीं है आप खुद मुझे सामने से रिक्वेस्ट करोगे यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि ये जो सीसीटीवी कैमरा इंडस्ट्री है इनमें आप अपने स्किल्स को ना डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट में आप अप्लाई कर सकते हो जैसे कि इसमें डिफरेंट डिफरेंट लाइक आपके डेजिग्नेशन होते हैं जैसे सिस्टम इंटीग्रेटर ये एक हो गया ठीक है हम फील्ड टेक्नीशियंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं ठीक है एफ टी डेट इज कॉल्ड फील्ड टेक्नीशियन उसके बाद में हम अप्लाई कर सकते हैं सीसीटीवी ऑपरेटर ठीक है सीसीटीवी ऑपरेटर उसके बाद में हम अप्लाई कर सकते हैं नेटवर्कर ठीक है नेटवर्कर यानी कि सीसीटीवी के रिलेटेड जो भी नेटवर्किंग के काम है उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो राइट तो ऐसे बहुत सारे डेजिग्नेशन हैं जो मैं आपको चाहिए तो थोड़े टाइम के बाद में पीपीटी के ओर मैं आपको बता दूंगा बाकी कुछ लोगों को अगर नहीं पता है तो उनको मैं बताना चाहता हूँ अच्छा ये सारी इंडस्ट्री में आप कहीं से भी काम करो एज अ अर अगर आप काम करोगे तो आपकी नियर अबाउट सैलरी से आपकी शुरू होती है ठीक ठीक है 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 अगर आप कहीं पर पर जॉब कर रहे हो तो 18, से एज अ जो एकदम जीरो लेवल ना मैं इनकी बात कर रहा हूं एज अ अगनर अगर इंडस्ट्री में एक दो साल का भी एक्सपीरियंस हो जाएगा ना आपको इसी के अंदर तो आपकी सैलरी पच्चीस हजार तीस हजार से आपकी शुरुआत हो जाती है राइट तो ये इंडस्ट्री का एक आ, हम कह सकते हैं मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं कि इंडस्ट्री कैसे वर्क करता है हाँ मेरे पास में ज्यादातर जो लोग आते हैं ना वो जॉब के लिए बहुत कम ही लोग आते हैं ज्यादातर लोग मेरे पास में बिजनेस बिजनेस उनको खुद का अपना वेंचर शुरू करना है अपने बिजनेस को डेवलप करना है ग्रो करना है कैसे वो करे बिजनेस को स्टार्ट कैसे करे वो सारी चीजों के रिलेटेड लोग मेरे पास में आते तो अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो वहां पर कोई लिमिट ही नहीं है ठीक है आप इनफाइनेट लेवल पर जाकर आप पैसे कमा सकते हो यानी कि आप वन लाख पर मंथ टू लाख पर मंथ थ्री लाख पर मंथ आज ऐसे भी मेरे स्टूडेंट्स है जो करोड़ के अंदर बिजनेस को रन कर रहे हैं ठीक है तो धीरे धीरे मैं आपको करियर गाइडेंस दूंगा बिजनेस के रिलेटेड भी इज दैट ओके कि मैं आपको बिजनेस के रिलेटेड अगर कुछ करियर गाइडेंस दू और एज वेल एज जॉब के रिलेटेड कैसे जॉब को सर्च किया जाता है एक अच्छी कंपनी में कैसे आपको काम किया जाता है अगर ये सब चीजें मैं बीच बीच में आपको बताऊं तो इज इज दैट ओके कि मैं आपको ये सब चीजें शेयर करूं आप लोग एग्री करोगे इस चीज से जस्ट मुझे लिखकर बताइए एग्री इन बताइए चैट बॉक्स चैट बॉक्स में एग्री लिखकर बताइए तो ये जो ट्रेनिंग हमारी हो रही है ना ये ट्रेनिंग बहुत लिमिटेड लोगों के साथ में हो रही है तो मैं ना यहाँ पर हर एक लोगों के क्वेश्चन ले पाऊंगा मैं मेरे ट्रेनिंग जो है ना मैं ज्यादा भरना नहीं चाहता इवन आप को अभी पता नहीं होगा मेरे 500-600 लोग मेरे एक एक वेबिनार में आते कुछ ऐसे वेबिनार इवेंट्स होते मेरे मेरे जहां पर 1200 लोग मेरे एक एक वेबिनार में आते होता क्या है ना वहां से मुझे एक चीज सीखने को मिला है मैं हजार लोग तो मेरे पार्टिसिपेट कर लेते ट्रेनिंग में लेकिन हर एक लोगों के डाउट में क्लियर नहीं कर पाता ठीक है उनके पास में कोई भी चीज अगर एक सब्जेक्ट जो मैं सिखा रहा हूँ उनके रिलेटेड मुझे मेरे चैट बॉक्स भर जाते एक एक का क्वेश्चन भी करते बैठूंगा तो कम से कम एक दो घंटे लग जाते राइट तो ऐसे में ये जो सेशन है ये जो लाइव मास्टर क्लास में ले रहा हूं एंटायर डेली एक एक घंटे आकर मैं आपको जो भी चीजें सिखाऊंगा इस ये बहुत लिमिटेड लोगों के लिए ये इसमें मैं भरना नहीं चाहता ठीक है कि पचास लोग हो गए साठ लोग हो गए मैं भरना नहीं चाहता मैं बहुत लिमिटेड लोगों के साथ में काम करना चाहता हूं ताकि आप लोगों के क्वेरी और आप लोगों के डाउट जो है ना वो मैं ले पाऊं तो ये एक पर्सनल ट्रेनिंग है ठीक है क्या है ये एक पर्सनल कोचिंग सिस्टम है और राइट आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे रहा हूँ जो लोग बिगनर है उनको बताना बहुत जरूरी है तो एज अ डे वन आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही मैं आपका लूंगा ठीक है ओके तो मैं आपको टॉपिक लिस्ट भी दिखा देता हूँ नियर अबाउट अगर आप अब देखोगे ना ये तीन लेवल्स को कवर करने के लिए मैं आपके करीबन करीबन ढाई सौ टॉपिक्स लेने वाला हूँ ठीक है बहुत प्रोफेशनल लेवल पर आपकी ट्रेनिंग होगी और ऐसी ट्रेनिंग होगी कि आने वाले दो महीने के बाद में ना जब आप पीछे मुड़ के देखोगे ना तो जो आपका इंटरव्यूअर इंटरव्यू ले रहा होगा ना गारंटी देता हूँ ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आप आंसर नहीं कर पाओ ठीक है मैं आपको क्योंकि पूरा इंटरव्यू के हिसाब से आपको ट्रेनिंग दूंगा और जस्ट होल्ड ऑन मैं आपको यहाँ पर शेयर करता हूँ जॉब एज वेल एज बिजनेस दोनों के हिसाब से दूंगा डोंट वरी सो यहाँ पर आप देखोगे तो ये मेरे पास में पूरा एंटायर सिलेबस है तो ये देखिए ये कंप्लीट सिलेबस है हमारा दैट इज सीसीटीवी कैमरा प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन कोर्स इसके अंदर हमारा लेवल वन हम यहां से शुरू करेंगे अभी ठीक है तो सबसे पहला क्या है करियर गाइडेंस अबाउट द इंडस्ट्री यानी कि आज के सेशन में मैं आपको यही सारी चीजें बताऊंगा इंट्रोडक्शन टू डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी सिस्टम्स हम कवर करेंगे इसके बाद में आप देखोगे धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा थियोरी कवर होते जाएगा हम प्रैक्टिकल की ओर आगे बढ़ेंगे जहां पर मैं आपको हर चीज इंटीग्रेट करके आपको हर चीज दिखाऊंगा कैमरे के माध्यम से ताकि आप बेहतर तरीके से चीजें सीख पाओ तो यहां पर आप देखोगे कि सिर्फ लेवल वन के अंदर हम सिक्सटी टॉपिक से भी ज्यादा लर्न करने वाले और बहुत ही डिटेल में होने वाले बता रहा अगर आपके अंदर पेशेंस है ठीक है तो ही आप ये ट्रेनिंग को अटेंड करो राइट क्योंकि मैं ऊपर ऊपर से जानकारी नहीं दूंगा कितने लोग चाहते डिटेल में सीखना डिटेल लिखकर बताओ डिटेल में सीखना चाहते हो कि ऊपर ऊपर से सामना है प्रोफेशनल लेवल में अगर आपको डिटेल में सीखना है प्रोफेशनल लेवल पर सीखना है तो डेफिनेटली आपको समय देना पड़ेगा तो ये एंटायर चीजें सीखने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा पता है आपको हाँ छोटी मोटी ट्रेनिंग नहीं है दो से ढाई महीना लग जाएगा आप ठीक है डेली एक घंटे भी अगर आप आओगे तो दो से ढाई महीना लगेगा सीखने में अच्छा दूसरा यहाँ पर अगर आप देखोगे नीचे जाते हम लेवल टू लेवल टू के अंदर अगर आप देखोगे तो अगेन यहाँ पर कितने टॉपिक्स आ रहे हैं अगेन यहाँ पर पूरी ऑपरेटिंग की बात होगी जितने भी डीवीआर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम्स के फंक्शन होते वो सारे फंक्शन को मैं यहां पर सिखाऊंगा आपको डिटेल में कैसे इंटीग्रेशन वगैरह किया जाता है मोशंस वगैरह के ऊपर वहां से लेकर सारी चीजें आपको एकदम डिटेल पासवर्ड कैसे तोड़ा जाता है डीवीआर का वो सब भी आपको बताया जाएगा इवन देखो मोस्ट प्रोबेबली जब सिखाऊंगा ना मैं आपको ब्रांड पर कवर करूंगा मैं आता हूँ ब्रांड के ऊपर नॉर्मली तो यहाँ पर आप देखोगे लेवल टू के अंदर अगेन मैं पचास से भी ज्यादा टॉपिक्स कवर करने वाला हूँ अगर आप लोग को ये सिलेबस का पीडीएफ कॉपी चाहिए होगा ना तो जो भी काउंसलर से आपकी बात चल रही है हमारे ऑफिस में बहुत सारे काउंसलर है तीन से चार काउंसलर है जिन भी काउंसिलर से आपकी कम्युनिकेशन चल रही है उनको आप व्हाट्सएप के ऊपर रिक्वेस्ट करिए वो आपको पीडीएफ कॉपी दे देंगे ठीक है मैं ऐसे डायरेक्टली वेबिनार पे शेयर नहीं कर सकता ठीक है तो वो मुझे ऑथोरिटी नहीं है अच्छा आफ्टर देन यू कैन सी ओवर यर लेवल थ्री लेवल थ्री में क्या है यहाँ पर नेटवर्किंग विथ आईपी सिस्टम यहाँ पर आप सीखोगे जहां पर मैं पूरी की पूरी आपको नेटवर्किंग का कंसेप्ट आपको बताऊंगा देखो जब आपको पता है मैंने 2012 में ना सीसीएनए कंप्लीट किया था 2012 में और मैं सीसीएनए के भी बहुत सारे क्लास लेता हूं जहां पर कुछ ऐसे बेसिक नेटवर्किंग के जो कंसेप्ट होते मैंने देखा सीसीटीवी वाले लोगों के क्लियर नहीं होते उनको नहीं पता होता आईपी एड्रेस क्या होता है उनको नहीं पता होता है नेटवर्किंग कैसे वर्क करता है एक्चुअली में नेटवर्क किसको बोलते हैं ये तक नहीं पता होता है तो ये बेसिक जो फंडामेंटल होती है ना उसके ऊपर मेरे कम से कम एक हफ्ते का क्लास चल सकता है ठीक है मैं चाहता हूं कि आप एक अच्छा नेटवर्कर भी बनो तो मैं आप लोगों का कुछ पार्ट मैं नेटवर्किंग का कवर करूंगा ताकि आपका फाउंडेशन क्लियर हो जाए नेटवर्किंग को लेकर उसके बाद में जब आप एनवीआर आईपी सिस्टम सीखोगे तो वो मजा ही कुछ नेक्स्ट लेवल पे जाएगा क्योंकि आप हर एक चीज से रेडी हो चुके रहोगे तब ठीक है तो हम नेटवर्किंग पहले कवर करेंगे उसके टॉपिक्स मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है आफ्टर देन यू कैन सी ओवर यर ये सारी चीजें पढ़ने के बाद यहां से हम एनवीआर आई पी सिस्टम उनके बिल्डिंग ब्लॉक्स वगैरह के बारे में हम स्टडी करेंगे फिर पूरा इंस्टॉलेशन से, से कर, किया जाता है ईच एंड एवरी थिंग जो है यहाँ पर आपका कवर किया जाएगा इसके अंदर दोनों चीज कवर करूंगा मैं हालांकि वायर्ड सोल्यूशन भी कवर करूंगा और जो आपके वायरलेस सोल्यूशन आते हैं ना वो भी मैं कवर करूंगा तो अगेन मैं बोलूंगा बार बार मैं रिपीट करूंगा डिटेल में होने वाला है ट्रेनिंग तो पेशेंस बहुत रखना पड़ेगा आपको ठीक है ऐसा नहीं है कि रातों रात आप मेरे दस साल का एक्सपीरियंस आप ले लो राइट दस साल का एक्सपीरियंस लेने के लिए भी आपको कुछ महीने देने पड़ेंगे ठीक है, है तो सभी लोग रेडी हो ये सब चीजों से एग्री करते हो रेडी हो क्या सीखने के लिए रेडी हो चाहते हो इतने डिटेल में जाना अब मैं आप लोगों को एक फॉरम बना बताना चाहता हूं कि जैसे आपके जो भी जितने लोग ने हमारे ट्रेनिंग सेशंस में एडमिशन ले लिए ठीक है वो लोग अपने अपने काउंसलर से बात कर लेना ठीक है और जो लोग ने नहीं किया है अभी तक जिनके फुल पेमेंट्स नहीं हुए उनको मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ हमने एक फोरम बनाया हुआ है एक प्लेटफॉर्म है हमारा जिसको कहा जाता है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम तो उस सिस्टम्स के ऊपर मैं आपको एक्सेस दूंगा जैसे ही आपके एंटायर कंप्लीट पेमेंट हो जाएंगे उस समय पर आपको वो मिलेगा ओके सो जस्ट होल्ड ऑन लेट मी शो यू जिससे फायदा क्या होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ सो यू कैन सी तो इस तरीके से आपको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा एक वेबसाइट है हमारा इस वेबसाइट पर जैसे आप आओगे ठीक है तो इस वेबसाइट के ऊपर हमारे सीसीटीवी कैमरा अगर यहाँ पर देखोगे सीसीटीवी इस तरीके से आपको दिखेगा सीसीटीवी कैमरा लाइव मास्टर क्लास बैच इस बैच पे जैसे आप क्लिक करोगे एवरीडे जितने भी मेरे लेक्चर्स कंडक्ट होंगे उनके लेक्चर्स के रिकॉर्डिंग यहां पर आपको मिल जाएंगे ठीक है जहां पर आप उसके रिकॉर्डिंग्स भी देख सकते हो लेकिन अगर आप लाइव लेक्चर में अटेंड नहीं करोगे ठीक है हमारे पास में यहाँ पर ट्रैकिंग होगी सारी चीजों की अगर आप लाइव लेक्चर हमारा अटेंड नहीं करोगे तो आप लोगों को रिकॉर्डिंग नहीं दी जाएगी आपका अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाएगा क्योंकि होता क्या है ना जब मैं लोगों को बोलता हूं आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा तो लोग लाइव में आना छोड़ देते ठीक है लोग सोचते हैं कि चलो हम रिकॉर्डिंग से ही पढ़ लेंगे ये इवेंट का असली मतलब यही है कि आपको लाइव में आना है लाइव में समझना है लाइव में क्वेश्चन आंसर पूछना है ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो ठीक है, रिकॉर्डिंग जो है वो आपको रेफरेंस के लिए ठीक है, है तो उसकी access जो है वो आपको limited period के लिए दी जाएगी ठीक है, के लिए नहीं होगी, वो लिमिटेड पीरियड के लिए तो पर आपको सारे lectures आपको दिखेंगे. अच्छा, दूसरी बार अब अग, जब भी आपको अभी तो नॉर्मली आपके व्हाट्सएप के ऊपर आपको लिंक भेजा जा रहा है उस लिंक के थ्रू आप ज्वाइन कर रहे हो हमारे सेशन के लिए लेकिन आगे से जैसे ही आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आ जाओगे ठीक है आपको करना क्या है आपको उसी प्लेटफॉर्म से जाकर हमारे लेक्चर्स को ज्वाइन करना है फिर आपको लिंक नहीं दिया जाएगा आपको व्हाट्सएप के ऊपर डेली डेली आपको व्हाट्सएप नहीं किया जाएगा आपको क्या करना है आपको अपने कोर्स मॉड्यूल के अंदर जाना है वो कोर्स मॉड्यूल के अंदर जाने के बाद वहां पर लाइव मास्टर क्लास का ऑप्शन होगा वहां पर जाकर मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है जैसे आप, आप यहाँ पर देखोगे ना ये देखिए इस तरीके से आपको यहाँ पर दिखेगा अभी तो फिलहाल ये चालू है तो आपको दिखेगा नहीं ऑप्शन जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है इंट्रोडक्शन टू डी एस एस यहां पर क्लिक जैसे ही करोगे आप तो नीचे आपको एक ज्वाइन करके ऑप्शन आएगा वो अभी नहीं आएगा क्योंकि अभी क्लास चल रहा है ठीक है तो ज्वाइन करके जैसे ही आप दबा दोगे आप हमारे इसी वेबिनार में आओगे इसी तरीके से आपको अटेंड करना है बस हमारे ऐप के थ्रू करना रहेगा ठीक है थीके? सो ये आप चाहे कंप्यूटर में करो चाहे आप मोबाइल से करो नॉट मैटर ये दोनों जगह पे आप चला सकते हो ठीक है अच्छा दूसरी चीज क्या है कि अभी फिलहाल कुछ दिन तक ठीक है जो लोग ने कंप्लीट ज्वाइनिंग नहीं किया है हमारे सेशंस को कंप्लीटली एनरोल नहीं किया है वो लोग जैसे ही एनरोल कर लेंगे आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे ऐड कर दिया जाएगा ठीक है अच्छा इज दैट क्लियर यहां तक क्लियर हो गया जो भी मैंने समझाया आपको क्लियर लिख दीजिए मुझे क्लियर लिख कर बताइए ताकि मुझे समझ में आए जस्ट क्लियरली तो अंकित जी जो आपने क्वेश्चन किया है ना इसका क्वेश्चन आपको हमारे काउंसलर दे देंगे आप उनसे बात कर लीजिए ठीक है जी कह रहे हैं आई एम फ्रॉम बांग्लादेश हाउ आई बाय दिस कोर्स तो देखिए नहीम जी इसके लिए भी आपको हमारे काउंसलर से जुड़ना पड़ेगा ठीक है आपको वो सारी गाइडेंस दे देंगे अभी फिलहाल आज आप सेशन अटेंड कर लो जो मैं बता रहा हूँ सो लेट्स मूव फॉरवर्ड मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग मेरे कम्युनिटी में आए हो तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग हमारे एंटायर जितने भी कम्युनिटी है ठीक है दैट इज माई पब्लिक कम्युनिटी मैं चाहता हूँ उसमें आप ज्वाइन कर लो Let me show you. For now, for today, मैं आप को एक access देना चाहता यानी कि कि जिससे क्या होगा कि आने वाले दिन में कोई भी इंफॉर्मेशन कोई नई चीजें मार्केट में आती है तो वो सब चीजें आप लोगों तक आसानी से पहुंचते रहे ठीक है तो फेसबुक के ऊपर हमारा ग्रुप चलता है ठीक है तो उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए ये एज अ फ्री ऑफ कॉस्ट में मैं आपको इसकी एंट्री दे रहा हूँ यस यस अमित पाटिल पाटिल जी मैं आपके क्वेश्चन पर आता हूँ डोंट वरी यहाँ पर आप देखोगे टेलीग्राम वीआईपी अपडेट यहाँ पर भी हमारा एक ग्रुप चलता है डेट इज अवर पब्लिक ग्रुप इसकी भी मैं आपको एंट्री दे रहा हूँ यहाँ पर भी आप ज्वाइन कर लीजिए आज पांच साढ़े पांच हजार लोग हमारे इस प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए हैं तो आपको भी मैं यहाँ पर चांस देता हूँ कि आप यहाँ पर जुड़ जाइए ठीक है तो मैंने लिंक देखो चैट बॉक्स में दिया है आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो और अगर लिंक के थ्रू कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो आप हमारे जो काउंसिलर जिनसे आप जुड़े हुए हो उनके थ्रू आप बात कर सकते हो ऑल आफ्टर देन यू कैन सी ओवर इूटूब के ऊपर भी हमारा चैनल है वहां पर भी जाकर आप सब्सक्राइब कर लो ताकि मेरे लेटेस्ट जो भी वीडियोस के अपडेट होंगे वो भी आपको मिलता रहे देखो किसी भी तरीके से मैं नहीं चाहता हूं कि आप एक प्रायोरिटी कस्टमर बनो तो कोई भी डील कोई भी अपॉर्चुनिटी जो है वो आप लोगों से छूटे ठीक है एज अ प्रायोरिटी कस्टमर मैं चाहता हूं एज अ प्रायोरिटी स्टूडेंट कि आप लोगों को वो प्रायोरिटी बेस पर मिले मैं इंस्टाग्राम पर भी अवेलेबल हूं आप वहां पर भी हमें ढूंढ सकते हो लिंक्ड के ऊपर भी हम अवेलेबल है ठीक है अब हर एक जगह पर हम उतने एक्टिव नहीं है जैसे लिंक इन ट्विटर इनपे हम उतने एक्टिव नहीं है लेकिन आप जुड़े रहिए कल को हमारे उसके ऊपर अलग से टीम काम करेगी तो आप लोगों को वहां पर भी अपडेट मिलेगा जुड़े रहना बहुत जरूरी है देखो कनेक्टिविटी और कनेक्शन होना मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से आपको कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी कब क्या मिल जाए ठीक है और जिससे कि आपको बहुत बेनिफिट हो सकता है ठीक है तो मैं चाहता हूं कि आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ में लॉन्ग टर्म बेस पर जुड़िए हालांकि ये जो फेसबुक ग्रुप आप देख रहे हो ना इसमें जुड़ने के लिए मैं पैसे चार्ज करता हूँ बट एज ऑफ नाउ मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में दे रहा हूं आप काफी सारे उसमें लोग हैं जो मेरे कोर्सेज के अंदर ज्वाइंट होते हैं उन्हीं को हम एक्सेस देते हैं but... बट मैंने फिलहाल फिर भी आपको दे दिया है ग्रेट नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड सेशन चालू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ अबाउट डीईएसएस इंडस्ट्री आप देखोगे ना कभी कभी आप मैं जब भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूँ कहीं पर भी तो मैं नीचे बोलता हूँ लोगों को आई एम अ डी एस तो बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आता है की ये डीईएसएस है क्या तो डीएसएस का फुल फॉर्म है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी सिस्टम लेट मी एक्सप्लेन यू वॉट इज डी एस डीएसएस का फुल फॉर्म है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी सिस्टम राइट तो ये जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी सिस्टम्स है इनमें कौन कौन से सिस्टम्स आते हैं उसके बारे में हमें सबसे पहले समझना है ठीक है आज आप सीसीटीवी कैमरा से शुरुआत कर रहे हो आज आप सीसीटीवी कैमरा प्रोफेशन में काम कर रहे हो आने वाले दिन में आपकी जो इच्छा है आपकी जो लिमिटेशन है पैसा कमाने की वो भी बढ़ेगी आपको नॉलेज सीखने की वो भी इच्छा आपकी बढ़ेगी मतलब हर चीज से आपको क्या होगा ना आपको ऐसा लगेगा की ये भी कर लेता तो मैं और पैसे कमा सकता था ये भी कर लेता तो मैं और प्रोजेक्ट ले सकता था तो इसी तरीके से आने वाले दिन में अगर सिक्योरिटी सिस्टम्स के इंडस्ट्री के अंदर आपको अपना फुल टाइम करियर बनाना है तो उसके लिए आपको और भी चीजें सीखनी पड़ेगी बट शुरुआत आपको हमेशा सीसीटीवी से ही करना है यहाँ से ही आप करना है डायरेक्ट आप जंप नहीं कर सकते ठीक है तो सीसीटीवी कैमरा उसके अंदर हमारा लेवल वन लेवल टू और लेवल थ्री ये तीन लेवल हमारे आते आफ्टर देन यू कैन सी नंबर टू पे डेट इज योर फायर अलार्म सिस्टम ठीक है उसके बाद में हमारा आईडीएस सिस्टम आता है उसके बाद में हमारा इंटरकॉम इंटरकॉम सिस्टम आता है उसके बाद में हमारा आता है एक्सिस uh, कंट्रोल सिस्टम ठीक है बायोमेट्रिक सिस्टम बायोमेट्रिक सिस्टम उसके बाद में हमारा आता है वीडियो डोर फोन सिस्टम ठीक है इस तरीके से हमारे बहुत सारे सिस्टम आते हैं तो मैं आपको एक एक करके ना डिटेल में बताता हूँ ये सिस्टम है क्या ठीक है पहले इसको जानना बहुत जरूरी है क्योंकि देखो एक एग्जाम्पल देता हूँ मान के चलिए एक हॉस्पिटल बन रहा है ठीक है कहीं पर कहीं पर एक पूरे एक फ्लोर की हॉस्पिटल बन रही है तो अब ये जरूरी नहीं है कि इस हॉस्पिटल में सिर्फ सिक्योरिटी के लिए सीसीटीवी कैमरा ही लगाया जाए आप खुद इमेजिन करके देख लो ना कहीं पर हॉस्पिटल बन रहा है तो जरूरी नहीं की वहां पर खाली सीसीटीवी कैमरा लग रहा है वहां पर हो सकता है की रिसेप्शन से रिसेप्शन से हमें कहीं पर किसी और डिपार्टमेंट ओपीडी यानी कि कोई एक ओपीडी है वहां पर हमें बात करना है उस डॉक्टर से ठीक है या कोई कंसर्न पर्सन से तो उन्हें रिसेप्शन से उठकर ओपीडी में जाना पड़ेगा तो ये इजी टू एक्सचेंज हमें इजी टू कम्युनिकेशन करना है तो यहाँ पर हमें इंटरकॉम इंटरकॉम सिस्टम की उपयोग करनी पड़ती है राइट तो यहाँ पर सीसीटीवी के अलावा इंटरकॉम भी लगेगा राइट उसके बाद में अगर मान के चलो कल को अगर आग लगता है तो फंसेगा कौन ठीक है कौन फसेगा बताइए जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फंसेंगे तो ऐसे में गवर्नमेंट का रूल है कि आप कोई भी बड़े प्रिमाइसिस कोई भी कमर्शियल प्रिमाइसिस अगर आप ओपन करते हो तो वहां पर फायर सिस्टम लगा होना जरूरी है तो फायर अलार्म सिस्टम के बिना यहाँ पर एनओसी नहीं मिलेगा ठीक तो नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो होता है वो आपको बहुत सारे जैसे अभी यहाँ पर बीएमसी होते हैं फिर फायर एसोसिएशन वाले होते हैं ठीक है थीके? वो लोग क्या करते हैं वहां पर एनओसी एक लेटर वो लोग प्रोवाइड करते हैं कि यहाँ पर फायर सारी चीजों का वहां पर जो है इक्विपमेंट दिया गया है और सारी चीजें जो है प्रॉपर वर्किंग कंडीशन इस तरीके से आपको वहां पर एक एनओसी मिलता है लेटर्स वगैरह मिलते हैं अलग अलग ए फॉर्म बी फॉर्म मिलते जिससे कि क्या होता है कि आपका वहां पर जो है प्रीमाइसिस सिक्योर्ड होता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सीसीटीवी इंटरकॉम फायर अलार्म सिस्टम उसके बाद में कई सारे ऐसे एरिया होते हैं जहां पर आपके बहुत महंगे महंगे इक्विपमेंट रखे होते हैं तो वहां पर आपको आईडीएस सिस्टम लगाना पड़ता है इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम जहां पर चोरों से बचना होता है जैसे महंगे महंगे मेडिसिन रखे हुए तो वहां पर हमें जो है आईडीएस सिस्टम का उपयोग करना पड़ता है तो ये सब सिस्टम अगर आप देखोगे ना कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक है ठीक है अगर आप देखोगे आपके एक हॉस्पिटल के अंदर सौ एम्प्लॉय काम कर रहे हैं दो सौ एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो इन एम्प्लॉय का अटेंडेंस भी तो रखना पड़ेगा तो वहां पर बायोमेट्रिक भी डिप्लॉय करना पड़ेगा राइट उसके बाद में अगर आप देखोगे कंट्रोल को वहां पर डिप्लॉय किया जाता है ताकि कोई भी बंदा, कोई भी भी बंदा रूम में विदाउट परमिशन जा सके वहां पर उन्हें परमिशन लेना सब पड़े लेने के लिए ठीक है तो इस तरीके के जो सिस्टम होते हैं ठीक है ये सिस्टम्स आप देख रहे हो एक ही जगह पे कितने सारे सिस्टम यूज हो रहे तो आने वाले दिन में अगर आप इन सारी चीजों को कहीं ना कहीं मास्टर अगर आप कर लेते हो ठीक है तो वो दिन दूर नहीं है कि आप इसके अंदर करोड़ों के बिजनेस आप बिल्ड कर सकते हो ठीक है और ये पॉसिबल है क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स कर रहे इस प्रोफाइल पर अच्छा खासा पैसा कमा रहे है। रही बात जॉब की तो जॉब हम खुद आपको लगा कर देंगे यानी कि हम आपको असिस्ट करेंगे जैसे हमारे पास में कैसे ना बहुत सारी कंपनी लिस्टेड है ठीक है तो ऑल ओवर इंडिया में ऐसे बहुत सारे अलग अलग सिटी है जहां पर क्या हमारी बहुत सारी कंपनी

इवन अगर आपको खुद से फाइंड आउट करना है खुद से लगना है तो उसकी भी आपको टेक्निक बताई जाएगी कि कैसे खुद ही जॉब ढूंढकर आप एक अच्छा जॉब कर सको ठीक है तो ये सब गाइडेंस हम आपको देंगे बट स्टार्ट ऑफ फेज में आपको तो लर्न करना है अभी अभी आपको जॉब वगैरह के पीछे नहीं जाना है ठीक है ठीक तो ये जॉब ओरिएंटेड कोर्स है याद रखो आपको एंटायर चीजों की सपोर्ट आपको हमारे ओर से ही मिल जाएगी डोंट वरी और इस इंडस्ट्री के अंदर जॉब के लिए सोचना ही नहीं है बहुत जॉब है बस नॉलेज अच्छे लोग नहीं है इसमें ठीक है अच्छे नॉलेजेबल लोग नहीं है जिनको अच्छा हाई पेइंग कंपनी सके ठीक है तो मैं चाहता हूं कि एक अच्छा नॉलेज लेकर जाइए ताकि आपको अच्छी सैलरी वहां पर दी जाए ग्रेट नाउ लेट मी मूव फॉरवर्ड और मैं आपको समझाना चाहता हूँ सभी लोग बुक और पेन लेके बैठे हो ना यस लिख कर बताइए okay. जो लोग नहीं बुक और पेन लेके बैठे प्लीज ले लो मैं टाइम दे रहा हूँ आपको सारी चीजें आपको लिखकर समझना है तो अभी देखो शुरू में ना तो आपको ऐसा लगेगा की मैं बहुत बेसिक चीजें बता रहा हूँ लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना ठीक है ये मैं आपको पूरी समुद्र में पूरा उतार दूंगा ठीक है और फिर आप एकदम प्रो लेवल की जर्नी पर आप आ जाओगे ठीक है तो सीखो शुरुआत यहीं से करनी है सभी लोगों को ठीक तो है तो आज डे वन का लेक्चर है तो जहां पर हम समझेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी सिस्टम क्या होते तो सबसे पहले हम सीसीटीवी कैमरा एज ऑफ नाउ हम यहाँ से तो शुरू कर ही रहे चीजों को लर्न करना तो सीसीटीवी कैमरा जो है हमारा एंटायर सिलेबस में हम कवर करेंगे जहां पर आप समझोगे की ये होता क्या है इसका फुल फॉर्म क्या है वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा एज ऑफ नाउ मैं यहाँ पर पॉज लेता ठीक है यहाँ पर मैं पॉज लेता हूँ हम चलते हैं हमारे यहाँ पर फायर अलार्म सिस्टम पहले इसको समझते हैं अब होता क्या है ना बहुत सारे है जहां पर जैसे हॉस्पिटल हो आपके हो हो गए गए आपके आपके कोई भी कॉर्पोरेट ऑफिस गए हर जगह पर फायर अलार्म सिस्टम की नीड होती है अब नाम से आपको समझ में आ रहा है फायर अलार्म अलार्म का मतलब होता है वहां पर कही कहीं ना कहीं साउंडर लगा होगा जिससे कि आपके सायरन बजेंगे तो जब भी आग लगेगा सुनो ध्यान से जब भी आग लगेगा या तो आग लगने वाला है उसके इनिशियल स्टेज पर ही आपको पता चल जाए कि यहाँ पर इस premise, इस प्रिमाइसिस पर इस लोकेशन पर आग लगने वाला है तो उसके लिए फायर अलार्म सिस्टम डिप्लॉय किया जाता है अलग अलग रिसोर्सिस पर अलग अलग प्रिमाइसिस पर तो ये जो फायर अलार्म सिस्टम है इनमें बहुत सारे कंपोनेंट लगते हैं ठीक है क्योंकि कोई भी सिस्टम को चलाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट लगते हैं लेट से एक एग्जाम्पल लेते हैं हम ठीक है अगर हम बात करते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम की ठीक है अगर हम बात करेंगे हम हमारे कंप्यूटर सिस्टम की तो अगर हम कंप्यूटर की बात करेंगे तो इसके अंदर जेस्ट होल्डर ओके मैं काम करता हूँ मैं एक सिंपल नोट बनाता हूँ ताकि क्या है ना उसे मैं प्रॉपर तरीके से बता सकू

पर हम जैसे एक कंप्यूटर की अगर हम एग्जाम्पल लेंगे तो कंप्यूटर के अंदर एज इनपुट कंप्यूटर के अंदर एज इनपुट कंपोनेंट क्या लगा होता है आपने कंप्यूटर चलाया होगा ना तो वहां पर लगा होता है कीबोर्ड कीबोर्ड एंड माउस जहां से हम इंस्ट्रक्शन देते जैसे अभी मान के चलिए मैं लैपटॉप कुछ टाइप कर रहा हूं तो वो इनपुट एज अ इंस्ट्रक्शन हमारे कंप्यूटर के अंदर प्रोसेस होगा राइट तो ये इनपुट अगर मैं नहीं लगाऊ तो कंप्यूटर का कोई मतलब नहीं है ये जो मैं राइट अभी मैं लिख रहा हूं ये जो पेन है ये एज ए इनपुट का वर्क कर रहा है ये जो माइक दिख रहा है आपको ये क्या कर रहा है एज ए इनपुट का वर्क कर रहा है राइट right? ये जो कैमरा जिससे आप देख पा रहे हो ये एज इनपुट का वर्क कर रहा है तो अगर सिग्नल यहां से आपके सीपीयू पर नहीं जाएगा तो वो प्रोसेस किसको करेगा तो हर सिस्टम के अंदर एक इनपुट होता है ठीक है तो जैसे कीबोर्ड और माउस यहां पर क्या है आपके इनपुट डिवाइसेस डिवाइसिस उसके बाद में यहां पर अगर आप देखोगे तो आपके आउटपुट डिवाइसेस भी होते हैं जैसे एक एग्जांपल देता हूं यहां पर आउटपुट के लिए हम यहां पर लिख देते हैं मॉनिटर ठीक है हर एक इक्विपमेंट जितने भी इक्विपमेंट है हर इक्विपमेंट में इनपुट डिवाइस और हर इक्विपमेंट में आउटपुट डिवाइस होते हैं तो मॉनिटर हो गए आपका डिस्प्ले आप बोल सकते हो ये क्या है आपके आउटपुट डिवाइसेस है तो कोई भी इंस्ट्रक्शन कोई भी कमांड अगर मैं दूंगा तो उस इंस्ट्रक्शन और कमांड को कहां पर मैं देखूंगा मैं देखूंगा मॉनिटर या डिस्प्ले के ऊपर राइट और इन सारे इनपुट और आउटपुट को प्रोसेस करने के लिए कंट्रोलर होता है ठीक है अच्छा याद रखो मैं लास्ट में सभी लोगों को एक अटेंडेंस लिंक भी दूंगा ठीक है तो डेली बेसिस पे आपका एक अटेंडेंस लगेगा और वो लिंक एवरी डे चेंज होगा आप लोगों के लिए तो याद रखना ये जो अटेंडेंस है वो आप सभी लोगों को लगाना है अदरवाइज आपका मार्क किया जाएगा और फिर उस दिन की रिकॉर्डिंग आपको नहीं मिलेगी ठीक है नाउ लेट मी टेल यू डेट की कीबोर्ड एंड माउस कीबोर्ड एंड माउस जो है ये आपका इनपुट हो गया आउटपुट के लिए हमारा मॉनिटर हो गया इनको प्रोसेस करने के लिए जितने भी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होते हैं उनको प्रोसेस करने के लिए बीच में आपका सीपीयू लगा होता है राइट दैट इज योर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि कहीं ना कहीं सीपीयू होता है माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर अलग अलग सिस्टम्स के अंदर प्रोसेस करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के चिपसेट्स को यूज किया जाता है तो वो क्या होता है दैट इज योर ब्रेन ऑफ योर कंप्यूटर यानी कि जो सारे सिस्टम्स को प्रोसेस करके आपको एक एक्यूरेट रिजल्ट जो चाहिए वो आपको आउटपुट डिलीवर करता है राइट तो कोई भी सिस्टम्स में अगर आप देखोगे ना तो आपको इनपुट आउटपुट और कंट्रोलर देखने को मिलेगा इसी तरीके से अगर हम बात करते हमारे सीसीटीवी कैमरे की तो सीसीटीवी कैमरे के अंदर भी आपको इनपुट आउटपुट और कंट्रोलर मिलेगा जैसे कि इनपुट में हमारा कैमरा लगा होता है कैमरा जहां से आपका इमेज फॉर्म होता है जहां से आपका रोशनी जो लाइट है वो आपका एंटर होता है और वो पूरा रोशनी वो जो लाइट है वो प्रोसेस होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में वो मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा बट अभी के लिए फिलहाल आपको यह समझना है कि कैमरा इज योर इनपुट डिवाइस अगर मैं कैमरा ही नहीं लगाऊंगा तो पहला सिग्नल आपका कहां पर जाएगा और क्या प्रोसेस होगा राइट तो रोशनी सबसे पहले क्या होती है लाइट जो है वो कैमरे के लेंस के थ्रू आपका एंटर करता है आपके इमेजिंग सेंसर के ऊपर ठीक है तो यहाँ पर समझना ये है कि कैमरा आपका इनपुट कंपोनेंट हो गया आफ्टर देन वहां पर वहां से जो आपका सिग्नल है वो आउट होता है और आपके कंट्रोलर पर जाता है इज योर डीवीआर डीवीआर आपके DVR के ऊपर जाएगा और डीवीआर क्या करेगा उस सिग्नल को स्टोर करेगा या उसको आउट करेगा जिस पे भी आपको चाहिए लेट से आपको वहां पर मोनिटर लगाओगे अगेन यानी कि डिस्प्ले ठीक है तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो इसके अंदर भी आपका क्या है इनपुट कंपोनेंट है आउटपुट कंपोनेंट है

Kill यू कैन सी ओवर यर ये सारे क्या है हमारे लेट मी शेयर शेयरमा स्क्रीन ये सारे हमारे क्या है फायर अलार्म सिस्टम है देखो इस तरीके से इसमें पैनल होता है इनके नीचे देखो डिटेक्टर्स होते हैं ये सारे क्या है डिटेक्टर है गोल गोल्ड व्हाइट कलर के दिख रहे हैं ये डिटेक्टर है जो ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के डिटेक्टर होते हैं जब फायर अलार्म का प्रॉपर कोर्स करोगे तो पता चलेगा जैसे स्मोक डिटेक्टर जो धुए को डिटेक्ट करता है ठीक है हीट डिटेक्टर जो डायरेक्ट तापमान को डिटेक्ट करता है उसके बाद में आपका फ्लेम डिटेक्टर ऐसे बहुत सारे टाइप के डिटेक्टर होते हैं बीम डिटेक्टर होते हैं ठीक है उसके बाद में आपका जो इंफ्रा रेड के ऊपर काम करता है, उसके बाद में आपके आते है एस्पिरेशन स्मोक स्मोकटर बहुत सारे अलग अलग टाइप के हमारे तो इनपुट वर्क करते हैं जनरेट नहीं होगा तब तक सिग्नल जो है वो आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा यानी कि तब तक फायर पैनल जो है वो हमारा नॉर्मल कंडीशन में यहाँ पर दिखा देता हूँ फायर अलार्मिटेक्टर्स तो यहाँ पर आप देखोगे ये देखिए ये ये सब डिटेक्टर है स्मोक तो जब धुआं जाएगा तभी वो सेंस करेगा और फिर उसके बाद में सिग्नल जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल कहां पर जाएगा आपके फायर अलार्म पैनल पर जाएगा तो वहां पर एक डब्बे की तरह लगा होता है देखो इस तरीके का पैनल लगा होता है कहीं पर भी जाओगे ना देखा होगा बिल्डिंग वगैरह ऐसे पैनल लगे होते हैं ये पैनल क्या करता है ये माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड पैनल होता है जो आपके सिग्नल को प्रोसेस करता है प्रोसेस करने के बाद जैसे ही उसको सिग्नल मिल जाता है इनपुट से वो आउटपुट देता है यानी कि वहां पर क्या लगा होता है हुटर ठीक है हुटर तो यहाँ पर आप देखोगे ना ये देखिए ऐसे साइरन्स लगे होते अलार्म लगे होते फ्लैशिंग लाइट्स लगे होते तो आउटपुट जरूरी नहीं है कोई एक सिस्टम में एक ही आउटपुट लगाओ अलग अलग सिस्टम्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ आउटपुट्स यूज किए जाते डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट यूज किए जाते ठीक है जैसे कंप्यूटर चलाते हो तो की और माउस इज नॉट अ ओनली इनपुट डिवाइसेज हम उसके अलावा बहुत सारे इनपुट डिवाइस लगा सकते राइट देखो इसी से रिलेट करवा रहा हूं मैं आपको कंप्यूटर का एग्जाम्पल दे दे रहा हूँ क्योंकि इससे आप फीमिलर हो आपने यूज किया उस सिस्टम को ये सारे क्या है साउंडिंग डिवाइसेस है साउंड देते देने वाले डिवाइसेस है हुटर बोला जाता है अलार्म बोला जाता है और राइट right. तो ये सारी चीजें जो है आपके फायर अलार्म सिस्टम में आपको हेल्प करता है टू डिटेक्ट अ फायर प्रेजेंस टू डिटेक्ट अ स्मोक प्रेजेंस जिससे आग लग सकता है उसके इनिशियल स्टेज पर ही आपको ये बता देगा पैनल के अंदर आपको डिस्प्ले के ऊपर दिखेगा कि एक्जैक्टली exactly आग कहां पर लगा हुआ है और फिर उसके बाद में आप जाकर वहां पर एक्सटेंग्विश कर सकते हो यानी कि बुझा सकते हो तो ये जो सिस्टम है फायर अलार्म सिस्टम वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिस्टम जो बड़े बड़े हॉस्पिटल स्कूल कॉलेज आप सोच लो अब ये कहाँ कहाँ लगेगा बताने की जरूरत ही नहीं आप कहीं पर भी चेहरा घुमा देख लो वहां पर फायर अलार्म सिस्टम जरूर होगा क्योंकि ये ऑलमोस्ट सीसीटीवी के बाद में मोस्ट एसेंशियल चीज है जो लगाया जाता है ऑलराइट राइट right, तो फायर अलार्म सिस्टम क्या होता है आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया अब आते हैं हम आगे बढ़ते हैं दैट इज अवर आईडीएस सिस्टम ठीक है आईडीएस सिस्टम क्या होता है आईडीएस का फुल फॉर्म है इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम ठीक है लेट मी राइट ओवर यर मैं नोट भी बनाते जा रहा हूं डिटेक्टर नेक्स्ट आता है दैट इज फायर अलार्म पैनल एफ इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं और फिर आउटपुट के लिए क्या लगाते हैं हम हुटर ठीक है साउंडर और नेक्स्ट आता है दैट इज आईडीएस सिस्टम आईडीएस का फुल फॉर्म है इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम देखो आप लोगों को ना जैसे जैसे आप सीख रहे हो ना आप लोग को ई नोट्स वगैरह भी दिया जाएगा नोट स्टडी मटेरियल्स वो सब स्टडी मटेरियल आपके खुद ही प्लेटफॉर्म में होगा जैसे जो जो फुल फॉर्म्स मैं बोल रहा हूँ ना जैसे आईडीएस का फुल फॉर्म क्या है फायर लाम का फुल फॉर्म क्या है या आगे चल के मैं करीबन करीबन हजार से भी ज्यादा फुल फॉर्म्स आपको सिखा दूंगा ठीक है अलग अलग चीजों के टर्मिनोलॉजी जिसको हम एब्रीवेशन बोलते हैं तो ये अब्रीवेशन आपको एक बार में याद नहीं होगा तो मैं आपको क्या करूंगा मैं आपको एक लिस्ट दे दूंगा फुल फॉर्म की वो फुल फॉर्म का जो लिस्ट है वो आप वहां से जाकर पढ़ सकते हो हर एक चीजों के फुल फॉर्म वहां पर लिखे होंगे तो ये जो स्टडी मटेरियल है ना ये भी आपको मेरे इस क्लास के दौरान आपको दिया जाएगा डोंट वरी ठीक है अच्छा लेट मी एक्सप्लेन यू अबाउट आईडीएस सिस्टम तो आईडीएस सिस्टम होता है इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम तो इसके अंदर क्या होते हैं पहले तो समझो इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम क्या होता है ये एक ऐसे प्रकार का सिस्टम है जो हमें चोरों से बचाता है ठीक है इंट्रूडर का मतलब पता है आपको क्या होता है इंट्रूडर का मतलब होता है घुसपैठ ठीक है देखिए इस तरीके का सिस्टम होता है तो जहां पर अभी घुसपैठ होगा इंट्रूजन का मतलब होता है घुसपैठ इंट्रूडर का मतलब होता है चोर तो जब भी चोर आपके प्रीमाइसिस घुसपैठ करता है तो उस समय पर क्या एक्शन आपको लगा सकते हो क्या सोलूशन आप कस्टमर को दे सकते हो तो ये एक सोल्यूशन है जो हम अलग अलग बैंक में ज्वेलरी शॉप में हम एंटी रॉबरी के लिए हम क्या करते हैं वहां पर इस सोल्यूशन को डिप्लॉय करते है. तो इसे हम एंटी रॉबरी सिस्टम भी बोलते हैं या बहुत सारे लोग आई सिस्टम भी बोलते हैं इंट्रूजन अलार्म डिटेक्शन सिस्टम तो ये जो इंट्रूजन अलार्म डिटेक्शन सिस्टम होता है इसके अंदर अलग अलग टाइप के इनपुट्स लगाए जाते हैं उसके बाद में इसके अंदर लगे होते हैं आपके आउटपुट डिवाइसेस ठीक है तो वो क्या क्या होते हैं, वो मैं आपको बता देता हूं जैसे सेंसर होते हैं ठीक है तो जैसे आप आईडीएस सिस्टम के सेंसर देखोगे ये देखिए यहां पर आप देखोगे ना तो ऐसे अलग अलग प्रकार के अब इसमें इंडिविजुअल फोटो तो नहीं आ रहा है एक साथ में सारे फोटोज आ रहे हैं anyway, कोई प्रॉब्लम नहीं है हम यहाँ से समझ लेते तो पर आप देखोगे ये सब छोटे छोटे जो दिख रहे हैं आपको, ये सब है। ये देखो तो जब आइडिया सिस्टम का कोर्स करोगे ना तो इसमें डिटेल में आपको बताया जाएगा कितने प्रकार के सेंसर होते हैं एक एक सेंसर के काम क्या होते हैं ठीक है थीके? तो जैसे डोर सेंसर शटर सेंसर पीआईआर सेंसर बीम सेंसर ऐसे बहुत सारे अलग अलग वाइब्रेशन सेंसर ग्लास सेंसर बहुत सारे प्रकार के क्या रहते हैं इसमें होते तो ये सब जो सेंसर होते हैं ये आपको हेल्प करते जब भी इंट्रूडर डिटेक्ट होंगे यानी कि आपके गैर मौजूदगी में जब भी चोर आपके प्रिमाइसिस पर एंटर करेंगे तो क्या होगा वहां पर सायरन बजना शुरू हो जाएगा तो इसके अंदर एक साइरन होते ऐसे देखो साउंडर लगे होते ये देखो यहां पर दिख रहे इस तरीके से भोपू जैसे देखो सायरन है तो ये जो सायरन है ये ऑटोमेटिक क्या होगा बजने लग जाएगा तो यहां पर सिखाना ये चाहता हूं कि ये आपको हेल्प करता है दिस इज योर सेकेंड सिक्योरिटी जो आप प्रिमाइसिस पर देते हो फर्स्ट लेयर क्या होता है आपका सीसीटीवी कैमरा सीसीटीवी कैमरा इज योर फर्स्ट लेयर ऑफ सिक्योरिटी अगर कोई बोलता है नहीं मेरे प्रीमाइसिस को और ज्यादा सिक्योर कर दो जैसे ज्वेलरी शॉप हो गए कोई एक्सपेंसिव मोबाइल के स्टोर्स हो गए वो लोग क्या बोलते हैं मुझे और सिक्योर करना है सिक्योरिटी के लिए और क्या कर सकते हो तो उनको आप रिकमेंड कर सकते हो इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम आज बड़े बड़े बैंक में ज्वेलरी शॉप्स के अंदर ये लगाया जाता है जहां पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसर्स एज अ इनपुट के लिए वहां पर लगाया जाता है उसके बाद में वहां पर एक पैनल होता है जिस सिग्नल्स को प्रोसेस करता है दैट इज योर आईडीएस पैनल ठीक है इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम पैनल तो एक डब्बे की तरह वहां पर होगा वो पैनल है आपका उसके बाद में आपका क्या है वहां पर साउंडर लगा होगा आपका हुटर लगा होगा तो जैसे ही इंट्रूजर डिटेक्ट होगा सेंसर जैसे ही डिस्टर्ब होगा वो सेंसर सिग्नल आपके पैनल के पास में भेज देगा पैनल क्या करेगा उस सिग्नल को प्रोसेस करेगा और एक आउटपुट जनरेट करेगा जिस जो हुटर होगा जो भी साउंडर होगा वो आपका क्या होगा बचने लग जाएगा ऑल राइट right? इवन आइडिया सिस्टम आज इतना इंटेलिजेंट हो चुका है कि इसके अंदर अगर हम सिम कार्ड लगा देंगे जो जो आइडिया सिस्टम अगर जीएसएम बेस है तो हम उसके अंदर अगर सिम कार्ड लगाएंगे तो ये सिस्टम आपको कॉल करेगा आपको आपको नंबर ऐड करना पड़ेगा विदाउट नंबर एडिंग प्रोग्रामिंग होता है उसका तो वो प्रोग्राम करने के बाद में सिस्टम क्या करेगा आपके फोन पर कॉल करेगा तो रियल टाइम में आप एक्शन ले सकते हो याद रखो ये बहुत इंपॉर्टेंट सोल्यूशन है रियल टाइम जैसे ही सायरन बजे आपको एक कॉल आ जाएगा कॉल जैसे ही आप देखोगे आपको लगेगा कि मेरा आइडिया सिस्टम एक्टिवेट हो गया है और उस रियल टाइम में आपको जो एक्शन लेना है वो आप ले सकते हो तो ये बहुत ही वेल नोन सिस्टम है आज काफी सारे लोग इस सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं एंड दिस दिस इज अल्टीमेट योर आइडिया सिस्टम क्लियर जस्ट टाइप क्लियर इन दी चैट बॉक्स समझ में आए ये पहला तीन सिस्टम देखो सीसीटीवी तो हम समझेंगे बट पहला ये दो सिस्टम जो बताए समझ में आया क्लियर लिखकर बताइए सभी लोग सबको पार्टिसिपेट करना है चैट बॉक्स के अंदर ठीक है मेरा सभी लोगों के ऊपर ध्यान है कौन एक्टिव है कौन एक्टिव नहीं है क्योंकि बहुत लिमिटेड लोगों के साथ में मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ ऑल राइट ग्रेट फंटेस्टिक अंकुश मोहम्मद जी ठीक है आपने भी क्लियर लिख दिया सूरज कुमार साहिल थैंक यू सो मच हु इज गैलेक्सी ए प्लीज अपना रीनेम कर लो आप uh, अंकित जी थैंक यू सो मच फॉर टाइपिंग विजय कुमार सिंह थैंक यू सो मच फॉर टाइपिंग राहुल जी राहुल थैंक यू सो मच कलीम खान थैंक यू सो मच फॉर टाइपिंग नईम जी थैंक यू सो मच फॉर टाइपिंग यस आसम ग्रेट लेट्स मूव फॉरवर्ड लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉर्वर्ड ना लेटमी फोर्थ सिस्टम दैट इज योर इंटरकॉम सिस्टम इंटरकॉम सिस्टम क्या होते एक ऐसा सिस्टम जो इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए आपको मदद करे ठीक है लेट मी शेयर विथ यू अबाउट दिस सिस्टम इंटरकॉम सिस्टम ठीक है अब इंटरकॉम की अगर हम बात करेंगे ना तो देर आर टू टाइप टू टू थ्री टाइप्स ऑफ इंटरकॉम सिस्टम मैं वो भी आपको बता देता हूं लिखकर यहां पर सो जस्ट ऑन इंटरकॉम सिस्टम ठीक है तो देर आर टू टू थ्री टाइप ऑफ इंटरकॉम सिस्टम जैसे हमारा एक होता है ईपीबीएक्स सिस्टम ठीक है उसके बाद में हमारा सिस्टम होता है बिल्डिंग इंटरकॉम सिस्टम ठीक है यानी कि ईपीए बी एक्स सिस्टम ईपीएक्स बोलते लोग ज्यादातर तो ईपीएक्स e और ईपीए बी एक्स सिस्टम बहुत सारे लोग तो ईपीबीएक्स e मतलब ऑफिस इंटरकॉम ये ज्यादातर ऑफिस में लगाया जाता है ये ज्यादातर बिल्डिंग बिल्डिंग और होटल्स में लगाया जाता है ठीक है उसके बाद में आईपी ईपीबीएक्स सिस्टम्स ऐसे सिस्टम्स आते हैं के टी एक्स ठीक है तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम्स आते हैं मार्केट के अंदर तो ये सारे इंटरकॉम सिस्टम्स है ये इंटरकॉम सिस्टम्स के अंदर भी बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस लगाए जाते जैसे कि आपके पास में एक सिस्टम होगा दैट इज योर पैनल ठीक है इस पैनल से बहुत सारे फोन्स कनेक्टेड होंगे ठीक है एक एक फोन कनेक्ट हो गया दूसरा फोन कनेक्ट हो गया तीसरा फोन कनेक्ट हो गया चौथा फोन कनेक्ट हो गया पांचवा फोन कनेक्ट हो गया इस तरीके से बहुत सारे फोन क्या है आपस में कनेक्टेड होते हैं तो ये पैनल की लिमिट होती है ऐसे नहीं कितना भी लगा दो तो मान के चलिए दस फोन हमने कनेक्ट किया हुआ है तो अब ये सारे फोन आपके ऑफिस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पर आपने रखा है अब हर एक फोन की क्या करते हैं हम प्रोग्रामिंग करते हैं प्रोग्रामिंग करने के बाद हर फोन को एक नंबर दे देंगे वन जीरो वन वन जीरो टू वन जीरो थ्री जिससे कि क्या है इजी टू रिमेंबर होगा आपको याद रखने के लिए कोई तकलीफ नहीं होगा वन जीरो फोर वन जीरो फाइव वन जीरो सिक्स इस तरीके से वन जीरो सेवन वन जीरो एट वन जीरो नाइन इस तरीके से अब किसी भी व्यक्ति को एक दूसरे से बात करना है तो उसे डायल करने में तकलीफ नहीं होगी जैसे वन जीरो एट वो जैसे ही डायल करेगा वन जीरो सेवन वाला जैसे ही वन जीरो एट को डायल करेगा ठीक है यहां से इसको तो ये कॉल विद इन अ फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड के अंदर अंदर ये कॉल लग जाएगा और वहां पर वो दोनों इजीली कम्युनिकेट कर सकते तो टू कम्युनिकेट वेरी फास्टर और बहुत ही आसानी से आप कम्युनिकेट करना चाहते हो दस नंबर डायल नहीं करना है ठीक है फास्ट कम्युनिकेशन करना है तो उसके लिए इंटरकॉम सिस्टम डिप्लॉय किया जाता है एट अ फ्री ऑफ कॉस्ट आप कॉल एक्सचेंज कर सकते हो तो ये एक प्राइवेट सोल्यूशन होता है ईपीबीएक्स का फुल फॉर्म ही है इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट ऑटोमेटिक ब्रांच एक्सचेंज और ऑटोमेटिक बिजनेस एक्सचेंज ठीक है तो ये जो सिस्टम होता है दिस इज योर प्राइवेट सिस्टम आप अपने ऑफिस के अंदर यूज कर सकते हो तो उसके लिए रिचार्ज करने की जरूरत नहीं जब तक आपको इंटरनल कम्युनिकेशन करना है तो ठीक है क्या करना है इंटरनल इंटरनल होल्ड ऑन इंटरनल कम्युनिकेशन तो इसके अंदर फोन लगे होते जो आपका इनपुट का काम करता है ठीक है उसके बाद में आउटपुट के लिए आपका क्या है अगेन आपका फोन इज योर आउटपुट ठीक है तो एक टेलीफोन इनपुट बन जाएगा जब कॉल डाइल करोगे ठीक है और दूसरा टेलीफोन जहां पर कॉल लग रहा है वो आपका आउटपुट बन जाएगा राइट तो टेलीफोन सिस्टम इज योर इनपुट सिस्टम ठीक है और इनके बीच में पैनल होता है डेट इज योर ईपी ईपीबीएक्स सिस्टम जो आपका पैनल है वो आपका क्या हो जाएगा कंट्रोलर हो जाएगा तो ये क्या हो गया हमारा ये हमारा सिस्टम डिजाइन हो गया किसके लिए इंटरकॉम सिस्टम के लिए आई होप यहां तक आप लोगों को पता चल गया ठीक है नेक्स्ट सिस्टम आता है डेट इज योर लेट मी शेयर विद यू नेक्स्ट सिस्टम दैट इज योर वीडियो डोरफोन सिस्टम ठीक है आप समझते हम वीडियो डोरफोन सिस्टम क्या होता है कुछ भी डाउट है तो आप क्यू एन ए में लिख दीजिए ठीक है थीके? मैं पढ़ूंगा उसे फिर आपको आंसर करूंगा ओके सोनाओ जय में आप देखोगे तो इसके अंदर यस यस वी डी पी सो यू कैन सी ओवर यर वीडियो डोरफोन सिस्टम तो अब ये सिस्टम है क्या इसको भी समझ लेते हैं हम अच्छे से तो इन सिस्टम्स के अंदर क्या होता है ना दो से तीन चीजें होती है ठीक है वो भी मैं आपको बता देता हूं मी शो यू तो एज अ वीडियो डोरफोन तो इन, इसके अंदर क्या होता है आप नॉर्मली ये कहां पर यूज होता है ये आपके फ्लैट्स में यूज होता है आपके बंगलों में यूज होता है ये विजिटर को मैनेज करने के काम में आता है राइट तो ये इंडिविजुअल जो कस्टमर्स होते हैं वो लोग इसे बाय करते हैं उसे परचेस करते हैं बिल्डर्स के साथ में आप कॉन्टेक्ट करके सिस्टम्स को डिलीवर कर सकते हो आज जो लग्जरी फ्लैट आ रहे हैं उनमें बाय डिफॉल्ट ये सिस्टम्स लगाया जा रहा है राइट right? तो यहां पर आपको समझना क्या है कि इस तरीके का उसमें एक यूनिट होता है जिसको हम इंडोर यूनिट बोलते हैं ठीक है और एक सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं आउटडोर यूनिट तो ये दो कंपोनेंट के बेस पर ये चलता है ठीक है अब इनके अंदर भी दो सिस्टम आता है एक आईपी सिस्टम आता है और एक एनालॉग सिस्टम आता है अगेन तो आप कोई भी सिस्टम खरीदो उसमें इंडोर और आउटडोर होगा राइट और एक वायरलेस भी आ गया अभी तो ना मार्केट के अंदर तो वायरलेस सिस्टम भी आता है इसके अंदर तो जब इसका एक्सैक्ट कोर्स करोगे तो इसके अंदर भी आपको लगेगा कम से कम पंद्रह से बीस दिन इस पूरी चीज को सीखने के लिए ठीक है कई बार तो महीना भर भी लग जाता है तो जिनको डिटेल में सीखना रहता है उनको टाइम देना पड़ता है ठीक है अब यहां पर आप देखोगे ना तो ये जो सिस्टम है इसके अंदर देखो यहाँ पर बेल बटन बना है ठीक है तो ये आपके घर के बाहर लगता है गेट पर ठीक है घर के बाहर दरवाजे पर लगता है तो ये जो बटन है बेल बटन इसको प्रेस करना पड़ता है तो जैसे ही आप इसको प्रेस करोगे जैसे कोई विजिटर आएगा मान के चलो कोई जोमेटो वाला आ रहा है प्रेस किया उसने उसका चेहरा घर बैठे अंदर बिना डोर को ओपन किए सामने वाला व्यक्ति देख सकता है ठीक है जैसे एक एग्जाम्पल देता हूं मान के चलिए आप घर के अंदर हो अपने हॉल में हो तो वहां पर आपको सामने वाले विजिटर का चेहरा इस डिस्प्ले के ऊपर आपको दिखने लग जाएगा ठीक है सो यहाँ पर कैसे दिखेगा क्योंकि इसके अंदर एक सेकेंड इनपुट लगाया जाता है जिसको हम बोलते हैं कैमरा जैसे ही आप यहाँ पर प्राइमरी इनपुट प्रेस करते हो कैमरा यहाँ पर एक्टिवेट हो जाता है एक्टिवेट होने के बाद अंदर एक रिंग जनरेट होता है उस रिंग से आपको पता चल जाता है कि कोई विजिटर आपके डोर स्टेप पर आया हुआ है और जैसे ही आप उसे देखते हो आप वेरीफाई करते हो उसके बाद में आप जो दो है डोर ओपन कर सकते हो तो इसके अंदर बहुत सारे मल्टीपल फीचर्स होते जैसे टू वे टॉक बिना दरवाजा खोले आप जो है ना सामने वाले व्यक्ति से कम्युनिकेट कर सकते हो वो भी हैंड फ्री कोई फोन सिस्टम नहीं है कि आपको उठाकर बात करने की जरूरत नहीं हैंड फ्री इसके अंदर माइक होता है इसके अंदर स्पीकर होता है तो इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो कम्युनिकेट कर सकते हो देर आर लॉट्स ऑफ फीचर अगर मैं फीचर की बात करूंगा तो अगेन एक दो घंटा आपको लगेगा ऑल राइट right, तो समझना क्या है ये जो सिस्टम है दिस इज नथिंग बट योर वीडियो डोरफोन सिस्टम टू मैनेज अजिटर एट अ पर्सनल लेवल ऑल राइट तो मैं यहां पर लिख देता हूँ वीडियो डोरफोन सिस्टम VDP वीडियो डोर फोन ठीक है और इसके अंदर अगर आप देखोगे तो इसके अंदर भी आपके इनपुट के तौर पर क्या लगाया जाता है इनपुट के तौर पर आपका बेल बटन ठीक है उस आउटडोर यूनिट के अंदर एक बेल बटन होता है ना तो वो बेल बटन जैसे आप प्रेस करोगे आपका तभी काम करेगा नॉर्मली कैमरे के सामने खड़े हो जाओगे कुछ नहीं होगा ठीक है तो बेल बटन इज योर इनपुट आफ्टर देन उसको प्रोसेस करने के लिए उसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर है तो अलग से कैमरा उसके अंदर नहीं दिया गया है माइक्रो प्रोसेसर आपको दिया गया है उसके थ्रू वो प्रोसेस होता है ठीक है तो डेट इज योर स्टैंड अलोन टाइप डिवाइस है वो आपका एक ही सिस्टम सारा काम करेगा जैसे आपके मोबाइल फोन होते हैं एक ही में सब कुछ दिया है उसको स्टैंड अलोन सिस्टम बोलते हैं ऑल राइट आफ्टर देन आउटपुट क्या है आपका डिस्प्ले डिस्प्ले इज योर आउटपुट डिवाइस राइट तो कोई भी सिस्टम जो बनता है ना वो इसी प्रिंसिपल पर बनता है इनपुट आउटपुट एंड योर कंट्रोलर ऑल राइट तो देख रहे हो सबके सिस्टम्स में इस तरीके से डिजाइन करके आपको दिखा रहा हूँ इवन सिस्टम्स के बारे में भी आपको बता रहा हूँ तो दिस इज नथिंग बट योर वीडियो डोरफोन सिस्टम अब आते हैं हमारे दूसरे सिस्टम की ओर दैट इज वन दैट इज योर बायोमेट्रिक सिस्टम फर्स्ट वी हैव टू लर्न अबाउट वॉट इज बायोमेट्रिक सिस्टम ये देखो इस तरीके के सिस्टम आपने कहीं पर देखे होंगे ना तो ऑफिस के अंदर जब भी आपको टाइम और अटेंडेंस को मैनेज करना है तो ये बायोमेट्रिक सिस्टम बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है आपके अटेंडेंस को मैनेज करने के लिए तो इसके अंदर आप देखोगे ना तो आप अपने हजार एम्प्लॉजी दो हजार एम्प्लॉई डिपेंड ऑन दी सिस्टम लिमिट आप उनके अटेंडेंस को मैनेज कर सकते हो उनके टाइम को मैनेज कर सकते हो जैसे को, कोई व्यक्ति है मान के चलो ऑफिस के अंदर हजार एम्प्लॉई है उसमें से पांच एम्प्लॉय हर दिन लेट आते तो उनका क्या करना है उनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसे रखना है और अगर वो हर दिन लेट आ रहे हैं तो उनको उनके लिए कोई एक्शन लेना है आपको कंपनी में तो वो सारी चीजों की एल्गोरिदम आप इसके अंदर पहले से डिफाइन कर सकते हो तो अगर वो पांच दिन लेट आ रहा है तो आपने उसमें लिख कर रखा हुआ है पहले से सेटिंग से करके रखा हुआ है कि पांच दिन भी अगर वो लेट आएगा तो उस दिन उसका हाफ डे कैलकुलेट होगा ठीक है पांच मिनट लेट आएगा तो उनका हाफ डे लग जाए या आपको फुल डे दे देना है तो आप अपने हिसाब से फुल डे दे, दे सकते हो जिस दिन एबसेंट है तो उस दिन उसको क्या करना है लीव विथ पे करना है लीव विदाउट पे करना है वो सारे सिस्टम्स को आप वहां पर प्रिपेयर कर सकते हो अर्ली कमिंग लेट गोइंग सिस्टम ये बहुत सारी चीजें होती है सॉफ्टवेयर में जाएंगे तो बहुत कुछ है पूरा टाइम और अटेंडेंस के ऊपर सारी ट्रेनिंग होती है तो ये जो बायोमेट्रिक सिस्टम है ये एक स्टैंड सिस्टम है जहां पर हम अटेंडेंस को मैनेज करते हैं ऑलराइट right? तो ऐसे अलग अलग टाइप के होते हैं कोई छोटा दिखने में होता है कोई बड़ा होता है कुछ रीडर्स होते हैं अलग अलग प्रकार के ठीक है जैसे फिंगरप्रिंट के लिए होता है कुछ फेस के लिए होता है डायरेक्ट फेस के थ्रू अटेंडेंस लग जाता है देखो यहां पर फेस के थ्रू उसके बाद में कुछ ऐसे होते हैं जिनमें कार्ड सिस्टम होता है कार्ड आप लगाओगे तभी वो जो है वहां पर अटेंडेंस आपका लगेगा स्कूल वगैरह सिस्टम में आपको यूज होता है तो डायरेक्ट डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ ऑथेंटिकेशन लेवल वो हम आगे समझेंगे जब आप कोर्स करोगे बट यहाँ पर आपको ये बताना जरूरी है कि ये सिस्टम डायरेक्टली खाली बायोमेट्रिक पे काम नहीं करता है इट हैज अ सॉफ्टवेयर जैसे आप यहां पर देख रहे हो कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर होता है इसके थ्रू सारे जो कैलकुलेशंस है वो आप अपने सॉफ्टवेयर पे करते हो ऑलराइट तो ये जो बायोमेट्रिक सिस्टम है ये आपको एम्प्लॉय मैनेजमेंट उनके अटेंडेंस को मैनेज करने के काम में आता है तो मैं यहां पर लिख देता हूं द अनदर सिस्टम इज दैट इज योर बायो बायोमेट्रिक सिस्टम ऑल राइट तो ये जो बायोमेट्रिक सिस्टम है ये कहां पर काम में आएगा एम्प्लॉज एंड अटेंडेंस को मैनेज करने के लिए इसके अंदर भी एज अ स्टैंड अलोन सिस्टम है तो क्या हुआ उसके अंदर भी इनपुट आउटपुट होगा राइट तो उसके अंदर सेंसर्स लगे होते हैं सेंसर्स नहीं लिखेंगे हम रीडर लिखेंगे ठीक है वो ज्यादा बेटर होगा रीडर्स लाइक like, अलग अलग प्रकार के रीडर है ना फिंगरप्रिंट रीडर है फेस रीडर होता है ठीक है जस्ट होल्ड फेस रीडर उसके बाद में आपका होता है कार्ड रीडर ठीक है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रीडर्स होते हैं पाम रीडर वेन रीडर बहुत सारे रीडर्स है अलग अलग टाइप के ठीक है आपको क्या पता जब कोर्स करोगे ना तो इस ऐसे ऐसे रीडर बताऊंगा कभी आपने सुना भी नहीं होगा रेटिना को रीड करता है आयरिस को रीड करने वाले रीडर होते हैं बहुत सारे ठीक है पाम के पाम के अंदर जो हाथ के अंदर नस होते हैं ना उनको भी रीड करने के लिए एक रीडर आता है जिसको पाम वेन रीडर बोलते ठीक है तो जब सीखोगे तो समझ में आएगा ठीक है अच्छा यहां पर आप देखोगे तो इसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर अगेन इसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर बेस होता है स्टैंडलोन चिप सेट होता है वो डायरेक्टली माइक्रो प्रोसेसर प्रोसेस करते हैं सारे डेटा को और आउटपुट के लिए वहां पर आपके पास में डिस्प्ले लगा हुआ है कंप्यूटर के ऊपर आप आउटपुट लेते हो ठीक है तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप आउटपुट लेते हो ठीक है दैट इज योर बायोमेट्रिक सिस्टम तो बायोमेट्रिक सिस्टम में भी इनपुट आउटपुट और कंट्रोलर होता है ऑल राइट द नेक्स्ट सिस्टम दैट इज योर एक्सेस कंट्रोल सिस्टम ए सी एस एक्सिस कंट्रोल सिस्टम कंट्रोल सिस्टम अब एक्सेस कंट्रोल सिस्टम क्या है वो भी बता देता हूं कभी आप मेट्रो में गए हो घूमने के लिए गए हो गए दिल्ली में मुंबई में राइट पूना में भी अब तो चालू हो गया ठीक है तो एक्सेस कंट्रोल सिस्टम जो है ना वो अलग अलग रिसोर्सेज पे अलग अलग तरीके से यूज होता है जैसे आप देखोगे ना आपके पहले तो ऑफिस सोलूशन बता देता हूं आपके ऑफिस में देखोगे ना तो इस तरीके के सिस्टम्स लगे होते जहां पर आप जैसे ही कार्ड या फिंगरप्रिंट के थ्रू आप जैसे ही स्कैन करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होता है वहां पर डोर आपका ओपन हो जाता है तो एक्सेस कंट्रोल में आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोल्यूशन जैसे अभी आप यहां पर देख रहे हो ये स्टैंड अलोन सोल्यूशन है ऐसे कंट्रोलर बेस भी आता है एक्सेस कंट्रोल सिस्टम ठीक है कंट्रोलर ये देखिए इस तरीके से कंट्रोलर बेस भी आता है जहां पर आप कंट्रोलर लगाकर मल्टीपल डोर को आप क्या कर सकते हो कनेक्ट कर सकते हो ये देखो ऐसे कंट्रोलर बेस ये देखो इस तरीके से कंट्रोलर होता है अलग अलग राइट तो हमारे पास में ना ये कंट्रोलर बेस पूरी ट्रेनिंग होती है इवन स्टैंड बेस भी हमारे पास में सारे इक्विपमेंट पड़े हुए तो ये जो एक्सेस कंट्रोल सिस्टम है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके ऑफिस के अंदर ठीक है जब भी आपको अनऑथोराइज पर्सन को एंट्री और एग्जिट से रिस्ट्रिक्ट करना है उनको रोकना है आपके विदाउट परमिशन वो आप जो भी विजिटर है या इंटरनल एम्प्लॉई है वो आपके विदाउट परमिशन से आपके किसी भी डोर के ऊपर एंटर नहीं कर सकता है आपके ऑफिस में तो उस डोर को कंट्रोल करने के लिए उस डोर को मैनेज करने के लिए आप एक्सिस कंट्रोल सिस्टम का यूज करते हो तो ये एक्सिस कंट्रोल सिस्टम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू मैनेज अ अथोराइज पर्सन ठीक है अनऑथोराइज पर्सन दोनों को आप मैनेज कर सकते हो चाहे ऑथोराइज हो चाहे अनऑथोराइज हो दोनों को मैनेज कर सकते हो ठीक है अच्छा यहां पर आप देखोगे तो ये जो सिस्टम है ना इसमें दो आता है मैंने आपको बताया स्टैंड बेस आता है जो कई बार बायोमेट्रिक के साथ में ही होता है और कुछ ऐसे सिस्टम होते हैं जहां पर मल्टीपल डोर्स होते हैं वहां पर बड़े सिस्टम यूज होते हैं जो इसको बोलते हैं कंट्रोलर बेस्ड एक्सिस कंट्रोल सिस्टम ये कंट्रोलर बेस है ऑल राइट कंट्रोलर बेस है ये सब अच्छा दूसरा यहाँ पर कार्ड के थ्रू ऑथेंटिकेशन हो सकता है फिंगर के थ्रू हो सकता है ऑथेंटिकेशन तो डिफरेंट डिफरेंट रीडर होते हैं जिसके थ्रू हम ऑथेंटिकेशन लगाते हैं तो इनमें भी इनपुट होता है इनमें भी आउटपुट होता है सारी चीजें इसमें होती है इसमें भी हजार एम्प्लॉय दो हजार एम्प्लॉय जितने एम्प्लॉय आप मैनेज करना चाहते हो उसके हिसाब से आप मैनेज कर सकते हो विजिटर्स को मैनेज कर सकते हो तो उनकी रिकॉर्ड आप रख सकते हो इवन एक्सिज कंट्रोल सिस्टम के अंदर कभी आपने देखा है बूम बैरियर कभी आपने बैरियर सिस्टम के बारे में पढ़ा है ये देखो ऐसे बैरियर लगे होते पता है आपने कहीं पर गए हो ना टोल प्लाजा वगैरह पे कहीं पर या मॉल वगैरह के अंदर वहां पर ऐसे लगे होते तो विदाउट देयर परमिशन आप प्रिमाइसिस पे एंटर नहीं कर सकते अपने व्हीकल्स को लेके नहीं जा सकते हो. तो ये बूम बैरियर सिस्टम भी एक्सिस कंट्रोल का ही पार्ट है ठीक है उन वही सारे टेक्नोलॉजीज इसमें भी यूज की जाती है उसके बाद में आप बोलोगे स्वाइप स्वाइप बैरियर ठीक है ऐसे आप मेट्रो स्टेशन में देखते हो ना ये सब स्वाइप बैरियर फ्लैप बैरियर टर्न स्टाइल ऐसे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप देखो ट्राइपॉट होते टर्न स्टाइल बोलते इसको ठीक है ट्राईपोट इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बैरियर फ्लैप बैरियर्स बोलते हैं इनको ठीक है तो ये बैरियर्स क्यों लगाते हैं अनऑथोराइज पर्सन ये कमर्शियली यूज होता है ये सब ना कस्टमर नहीं खरीदेगा कभी ये सब कॉर्पोरेट यूज होते कमर्शियली यूज होता है ठीक है इसके डील्स भी जो होते हैं वो कमर्शियल लेवल पर होते ऐसा नॉर्मल रेगुलर ऑर्डर आपको ऐसे नहीं मिलेगा लेकिन जब आप एक्सिस कंट्रोल सीख जाते हो ना तो आप इनमें भी काम कर सकते हो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ठीक है हम इनके भी काम अंडरटेक करते तो आप लोग कभी अगर नहीं कर पाओ ना तो आप हमें दे देना हम करके दे देंगे आपको तो ये सब चीजें जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब सल्यूशन तो ये सल्यूशन आपके क्या है एक्सिस कंट्रोल के पार्ट है तो मैं इससे यहां पर लिख देता हूं एक्सिस कंट्रोल सिस्टम में क्या क्या आता है आपका लेट मी राइट ओवर हियर दैट इज रीडर अगेन रीडर इज योर इनपुट उसके बाद में आपका आउटपुट में क्या होगा आउटपुट में होगा आपका लॉक लॉकिंग मैकेनिज्म डिफरेंट टाइप के लॉक्स होते हैं जो डोर पर लगाए जाते हैं ठीक है तो डोर भी लिख देता हूं यहाँ पर ठीक है बट आपको हमेशा लॉक ही लिखना है क्योंकि ये कंपोनेंट जो है एक्सिस कंट्रोल का डोर एक्सिस कंट्रोल का कंपोनेंट नहीं है ठीक है अच्छा दूसरा यहाँ पर आपको क्या लिखना है कंट्रोलर तो यहां पर हम लिखेंगे माइक्रो कंट्रोलर माइक्रो प्रोसेसर कोई तो माइक्रो प्रोसेसर बेस माइक्रो कंट्रोलर बेस जो है सिस्टम होता है हमारा तो ये अल्टीमेट आपके इतने सारे क्या है सिक्योरिटी सिस्टम को हम डीईएसएस इंडस्ट्री बोलते ये जो मैंने अभी आपको बताया ना इसी को हम डीएसएस इंडस्ट्री बोलते मैं इसको प्रॉपर तरीके से वापस लिख देता हूं ताकि आप लोग को रिविजन हो ठीक है लेट मी राइट ओवर यर द सीसीटीवी कैमरा फायर अलार्म सिस्टम ठीक है फायर अलार्म सिस्टम उसके बाद में हमारा आता है डेट इज आईडीएस सिस्टम ये पता चल गया ना क्या है इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम उसके बाद में आपका आता है वीडियो डोरफोन सिस्टम वीडियो डोरफोन सिस्टम ठीक है उसके बाद में आपका आता है नेक्स्ट डेट इज योर इंटरकॉम सिस्टम इंटरकॉम सिस्टम ठीक है उसके बाद में आपका आता है डेट इज योर तो ई पी ए एक्स ई पी बी एक्स ठीक है यहां पर लिख दे रहा हूं ऐसे उसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका क्या बायोमेट्रिक सिस्टम ठीक है बायोमेट्रिक उसके बाद में सेवेंथ आता है आपका एक्सिस कंट्रोल सिस्टम ठीक है एक्सिस कंट्रोल सिस्टम ये सारे आपके सिस्टम है अच्छा यहां पर फायर सिस्टम में देखोगे तो दो सिस्टम आता है थोड़ा सा और डिटेल में बता रहा हूं आपको फायर सिस्टम में दो सिस्टम आता है कन्वेंशनल आता है कन्वेंशनल सिस्टम और एक होता है एड्रेसेबल एड्रेसेबल इस तरीके से समझो ये स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस पर यूज होता है छोटे जगहों पर यूज होता है और ये बड़े जगहों पर यूज होता है लार्ज एंटरप्राइजेस पर क्योंकि वहां पर हमें पिन पॉइंट पिन पॉइंट लोकेशन चाहिए होता है कि एग्जैक्टली exactly आग कहां पर लगा हुआ है वो चाहिए होता है ठीक है आइडिया सिस्टम के अंदर भी दो सिस्टम आता है एक होता है वायर्ड सिस्टम एक होता है वायरलेस सिस्टम ठीक है और उसके बाद में तीसरा भी एक और आ गया नया हाइब्रिड हाइब्रिड सिस्टम उसके बाद में वीडियो डोरफोन के अंदर भी दो तीन सिस्टम आते एक होता है आपका वायर्ड सिस्टम ठीक है एक होता है तो ये एनालॉग बेस होता है एक होता है आपका नॉर्मल तरीके में जो है आईपी बेस सिस्टम ठीक है उसके बाद में एक होता है वायरलेस सिस्टम ठीक है इसमें भी तीनों सिस्टम आते ठीक उसके बाद में नेक्स्ट होता है हमारे पास में एक आता है ईपीबीएक्स के अंदर भी एक आईपी बेस आता है एनालॉग बेस आता है ठीक है इस तरीके से अलग अलग सिस्टम आते हैं उसके बाद में हाइब्रिड आता है सिस्टम उसके बाद में नेक्स्ट यहां पर आते हैं हम नीचे बायोमेट्रिक के अंदर बायोमेट्रिक के अंदर भी दो सिस्टम आता है सिर्फ अटेंडेंस ठीक है इसके अंदर आता है अटेंडेंस प्लस एक्सिस ठीक है दोनों ही अवेलेबल है उसके बाद में नेक्स्ट यहां पर हम समझेंगे एक्सिस कंट्रोल सिस्टम के अंदर भी दो सिस्टम आता है ठीक है एक होता है ऑफिस ऑफिस सिस्टम यानी कि आपके मल्टी डोर मल्टी डोर सिस्टम और एक होता है स्टैंड अलोन सिस्टम ठीक है स्टैंड अलोन सिस्टम तो इस तरीके से हमारे पास में सिस्टम आते हैं और आपको एक अच्छी बात बताओ आप जिस प्लेटफॉर्म पे जुड़े हो ना हमारे पास में इन सारे के ऊपर बहुत डिटेल ट्रेनिंग होता है ये सारे सिस्टम सारे इक्विपमेंट हमारे पास में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करने के लिए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए हमारे पास में सारी सिस्टम अवेलेबल है ठीक है तो आप लोगों को इसी तरीके से क्लास अटेंड करना है ये सारी चीजें आपको सीखना है जैसे मैं आपको अभी सिखा रहा हूं आज मैंने कंडक्ट किया डे वन का सेशन ठीक है डे वन में हमने सारे चीजों के बारे में इंट्रोडक्शन देखा जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे हम सारे डिटेल में हम स्टडी करते जाएंगे एक एक सिस्टम्स के ऊपर एक एक कंपोनेंट के ऊपर हम एक एक घंटे के लेक्चर्स लेंगे तो समझ सकते हो कि आने वाले दो से ढाई महीने के अंदर आपका सीसीटीवी कैमरा के अंदर सिर्फ आपका लेवल किस तरीके से आपका पहुंच जाएगा राइट तो कल अच्छा यहाँ पर क्लैरिटी देना चाहता हो एक चीज और अभी कहीं जाना नहीं है प्लीज अटेंडेंस लगाए बिना आपको कहीं नहीं जाना है कोई डाउट है पहले एक बार डाउट देख लेते कुछ डाउट, कुछ डाउट पूछना चाहते हो समझ में आया जो भी चीजें समझाया मैंने आपको यस हर दिन एक घंटे का ही क्लास होगा यस एक घंटे का ही होगा और दूसरा अगर कभी कभी मेरा ये डिपेंड करता है मेरे टीचिंग स्टाइल के ऊपर कभी कभी ज्यादा भी हो सकता है तो उतना बफर टाइम लेके चलो थोड़ा ऐसा नहीं कि सर ने बोला एक घंटा तो बस एक ही घंटा बैठेंगे उसके बाद में हम नहीं करेंगे ठीक है ऐसा नहीं होना चाहिए ठीक है अच्छे नॉलेज चाहिए तो समय लगता है देखो हमने भी इंडस्ट्री में टाइम दिया है ठीक है विदाउट टाइम हम कैपेबिलिटी नहीं हमारी किसी को सिखाने की राइट तो हमने भी टाइम दिया है वी डिजर्व वी वी आर इन टू दिस इंडस्ट्री राइट नईम जी आपको हमारे काउंसिलर से बात करना पड़ेगा जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हो ना वो मैं भी ऑनलाइन वेबिनार पे नहीं बोल सकता तो आप हमारे काउंसिलर से जुड़िए ठीक है ग्रेट कुछ और पूछना चाहते हो लेट्स लेट मी चेक कुछ क्वेश्चन है तो पूछिए अदरवाइज मैं आगे बढ़ता हूं ठीक है नो लिख कर बताइए अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो नो लिख दीजिए ठीक है ओके great now let me move forward um तो देखिए कल आ, कल जो है हमारा क्लास नहीं होगा बिकॉज मुंबई में जो लोग मुंबई से होंगे उनको पता होगा कल हमारा एक फेस्टिवल है गणेश चतुर्थी तो जिसके लिए क्या है कि आ, ये जो फेस्टिवल है गणेश भगवान का है तो जिसके लिए हम कॉरपोरेटली हमारी जो ऑफिस है वहां पर हम छुट्टी रखते ठीक है तो हर जगह पर छुट्टी होती है तो जिसके लिए हमारा भी ऑफिस बंद होगा हमारे एम्प्लॉयज भी जो है इन दिनों में जो है नहीं आ पाते तो जिसके लिए हम कल क्लास नहीं रखेंगे लेकिन क्लास जो है हमारा वेनेज से कंडक्ट होगा ठीक है वेनेजडे से और डे टू का लेक्चर कंडक्ट करेंगे हम मैं चाहता हूं कि कोई भी इस लेक्चर को मिस ना करे लाइव में सभी लोग आए ताकि मैं आपका पर्सनल लेवल पर डाउट्स क्लियर कर सकूं दूसरा मंडे टू फ्राइडे रेगुलर लेक्चर चलेगा ठीक है एवरीडे वन आवर अगेन मैं बार बार बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग ना ये चीज के ऊपर बार बार कंफ्यूज रहते हैं ठीक है आठ से नौ यस क्लास जो होगा एट टू नाइन जान के हमने ये टाइम रखा है देखो क्या होता है ना बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल हो, होते हैं जो काम पटाकर फिर ये आराम से ये लेक्चर अटेंड कर सके ठीक है यस यस थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच नईम जी आपका कॉम्प्लीमेंट देने के लिए ओके जैसे जैसे आप क्लास अटेंड करोगे मैं आपको रिसोर्सेज भी देता जाऊंगा डोंट वरी जैसे ई नोट्स वगैरह मैं आपको प्रोवाइड करूंगा हमारे वही प्लेटफॉर्म के अंदर आपको ई e नोट मिलेगा कुछ स्टडी मटेरियल जो मैं हर क्लास के दौरान आपको देता जाऊंगा जैसे मैं कुछ नोट्स भी जो लिख रहा हूँ मैं इसका भी स्क्रीनशॉट चाहिए तो वहां पर अपलोड करते जाऊंगा ताकि आप उसे भी बाद में रेफर कर सको तो कोई भी चीज आप नहीं लिख पाओ मिस कर जाओ तो वो सब चीजों की रिसोर्सेज मैं वहां पर डालते जाऊंगा ताकि एक ही प्लेटफॉर्म पर एक ही जगह पे सारे रिसोर्सेज होंगे तो आपको अलग अलग जगह पर आपके चीजें मैनेज करने में डिफिकल्ट होगा राइट right? तो मैं चाहता हूँ एक प्लेटफॉर्म बनाकर उसी पे सारी कोटेशन yes. में, में कैसे बनाना है और भी चीजें एएमसी वगैरह क्या होते हैं कैसे ली जाती है बहुत सारी चीजों के ऊपर ट्रेनिंग होंगे है? Even, even मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे कुछ यूएसपी होते हैं ठीक है जैसे आपको दिखा देता हूं जो लोग बिगनर है उनको बता देता हूं वेरी देखो जब आप ट्रेनिंग अटेंड करोगे ना ये प्रोफेशनल ट्रेनिंग यहाँ पर आप देखोगे ना तो ये हमारे कुछ यूएसपीज होते जैसे आपको ई नोट्स वगैरह और स्टडी मटेरियल जो भी है वो आपको दिया जाएगा रिकॉर्डिंग दिया जाएगा जो मिस आउट करोगे आप लेक्चर्स जैसे एक आध छुट्टी हम समझ सकते हैं लेकिन ज्यादा छुट्टी मारोगे तो हम आपको रिकॉर्डिंग नहीं देंगे ठीक है उसके बाद में नेक्स्ट आता है डेट इज जॉब uh, असिस्टेंस की हम पूरी गारंटी लेंगे पूरी तरी पूरी कोशिश करेंगे कि आपको एक बेहतर जॉब मिल जाए ठीक है उसके बाद में हार्ड कॉपी सर्टिफिकेशन तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर कोर्स मैं आपको खुद सर्टिफाई करूंगा हमारे प्रोपराइटर का जो है सर्टिफिकेट पे साइन होगा जो आप दुबई सऊदी कतर हर जगह पर जो है आप अपने सर्टिफिकेट यूज कर सकते हो इंटरनेशनल और नेशनली हर जगह पर वो वैलिड है मैं आपको दिखा देता हूँ सर्टिफिकेशन कैसे होते हैं हमारे जस्ट होल्ड ऑन ये देखिए यहां पर आप देखोगे ना ये देखिए ऐसे हमारे सर्टिफिकेशन जो लोग को हम सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं तो आपको घर बैठे ही सर्टिफिकेट रिसीव हो जाएगा अगर आप ऑनलाइन अटेंड कर रहे हो तो आपको ऐसे सर्टिफिकेशन आपको मिलेंगे जिसके ऊपर आपने जो भी कोर्सेज के रिगार्डिंग आपने सीखा है वो सारी चीजें मिल जाएगी आपको दूसरा यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि जब आपको सर्टिफिकेशन मिल जाए तो आपको इस तरीके से अपने फोटो आपको हमें भेजना होगा दैट इज कम्पल्सरी बेस है तो हम हमारे सर्ट जो वेबसाइट है वहां पर हम अपलोड करते ये देखिए ऐसे ठीक है ये देखिए ऐसे, ऐसे इस तरीके से लोगों को हम क्या करते सर्टिफाई करते, ठीक है? Right. तो ये पूरा सर्टिफिकेशन कोर्स है और ये सर्टिफिकेशन की बहुत वैल्यू है आप जॉब में कहीं पर भी आप अप्लाई करिए बिजनेस करना चाहते हो वहां पर आप कहीं पर उसे यूज करना चाहते हो तो वहां पर भी आप बता सकते हो कि यस यू आर आ सर्टिफाइड पर्सन सो आई होप यहां तक मैंने क्लियर कर दिया आप लोगों का डाउट जो लोग पूछ रहे थे कुछ सर्टिफिकेशन के रिलेटेड यस yes. तो ट्रेनिंग कर रहे हो सर्टिफिकेट नहीं मिले तो क्या फायदा राइट right? तो सर्टिफिकेशन कोर्स ही है हार्ड कॉपी कुरियर करूंगा यस yes, कुरियर करूंगा आपके घर पे कुरियर का कोई चार्ज नहीं है देखो इंडिया में रहेगा तो फ्री ऑफ कॉस्ट में कर दूंगा लेकिन आउट ऑफ इंडिया रहेगा तो आपको वो कुरियर चार्ज पे करना पड़ेगा ठीक है तो कुरियर का कोई चार्ज नहीं है Yes, yes. कोई और डाउट है तो आप लिख सकते हो क्यू एन ओपन किया मैंने कुछ पूछना चाहते हो ट्रेनिंग के रिगार्डिंग तो देखिए ये सब यूएसपी है जैसे बिजनेस स्टार्टअप्स एंड मार्केटिंग आइडिया भी मैं आपको दूंगा बीच बीच में उसके बाद में हम अलग अलग सेशन रखेंगे डिफरेंट डिफरेंट सेशन अलग अलग कंडक्ट होंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर भी लेक्चर होंगे ताकि आप लोगों का क्लियर हो जाए वोल्टेज क्या होता है एम्पियर क्या होता है ये सब मेरी ट्रेनिंग्स की यूएसपी है ठीक है होता क्या है ना लोग मुझे पैसा उतना ही देते हैं सीसीटीवी सीखने का ना पैसा उतना ही देंगे मैं अगर चार्ज भी करूं तभी भी चलेगा लेकिन इसके अलावा जो मैं अलग से आपको दस चीजें सिखाऊंगा ना ठीक है इट्स इंक्रीज योर वैल्यू एज वेल एज माय इंस्टीट्यूशन वैल्यू मैं चाहता हूं कि वो आपको जबरदस्ती डिलीवर करूं ताकि आप और बेहतर तरीके से चीजों को जानो और समझो राइट तो ये सब मेरे यूएसपी है आप नहीं भी बोलोगे तभी भी मैं आपको सिखाऊंगा ठीक है आफ्टर देन आई होप सारी चीजें तो ये सब डेजिग्नेशन पे आप काम कर सकते हो आने वाले दिन में मैं आपको वो भी बता देता हूँ जस्ट होल्डर काउंसिलर का नंबर मैं आपको दे देता हूँ नाइन सेवन सिक्स एट सिक्स थ्री सेवन एट फोर एट ये है हमारा देख लो फिर समप कर रहा हूं मैं अटेंडेंस लिंक आपको दे दूंगा डोंट वरी यहाँ पर आप देखोगे ना तो आ, आप एज अ फील्ड टेक्नीशियन के लिए काम कर सकते हो ठीक है एज अ जीरो लेवल जो फ्रेशियर्स होते हैं उनको भी पंद्रह से अठारह हजार के बीच में लोगों को दिया जाता है एज अ सीसीटीवी ऑपरेटर जो जीरो लेवल से काम करते हैं उनको भी जो है पच्चीस uh, से तीस हजार रुपए फ्रेशियर एज अ ऑपरेटर लेवल पे दिया जाता है तो ये सब टॉपिक्स में आपके कवर होंगे ठीक है सीसीटीवी टेक्नीशियन टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर उसके लिए आपको काम करना है सिस्टम इंटीग्रेटर के लिए काम करना है सीसीटीवी नेटवर्क इंजीनियर के लिए आपको काम करना है तो आप काम कर सकते हो एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए काम करना है बहुत सारे सेल्स अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा है पर्सनैलिटी अच्छा है तो आप सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो जिनमें बहुत ज्यादा स्कोप है मेरे कितने सारे स्टूडेंट है जो खुद ही विजन दवा ऐसे कंपनीज में भी काम कर रहे हैं आज ठीक है तो इनके लिए टैलेंट होना चाहिए इनके लिए नॉलेज होना चाहिए ऐसा नहीं कि बिना नॉलेज के आप चले जाओ तो इंटरव्यू फेल हो गए और कुछ नहीं होगा ऑलराइट right. कितना दिन लगेगा सीसीटीवी कोर्स कितना दिन का है विजय कुमार सिंह जी देखो आपने कोई क्वेश्चन लिखा है ना थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है मुझे प्लीज थोड़ा सा ब्रीफ करिए शायद आप पूछ रहे हो कितने दिन का है ये कोर्स ढाई महीना लगेगा अगर ये आपने पूछा है तो ढाई महीना दो से ढाई महीना पकड़ के चलो दो महीना हम बोलते हैं लोगों को कभी कभी थोड़ा सा एक्स्ट्रा घिस जाता है बिकॉज देखो डिटेल में सिखा रहा हूं तो डेफिनेटली टाइम देना पड़ेगा ठीक है तो एक ही घंटा निकालना है ज्यादा नहीं निकालना है ऑल ठीक है मैं आपको अटेंडेंस लिंक दे देता हूँ आज का अटेंडेंस लगा दो फिर सेशन समाप्त करते हैं मैं लिंक बना रहा हूं आपके लिए तो वेट करिए यस को सेम टाइम आना है आप लोग को सेम टाइम वन आवर का क्लास चलेगा जितने भी लोग अभी प्रेजेंट है प्लीज आप इस लिंक पर क्लिक करके डेली आपको एक लिंक मिलेगा ठीक है और आपको अपना अटेंडेंस लगाना है क्लिक करिए उस लिंक पर अटेंडेंस लगाइए और डन लिखिए मैं भी एक बार चेक कर लेता हूँ लोगों के अटेंडेंस लग रहा है कि नहीं आई होप कि जितना चीजें मैंने आपको बताए इतनी चीजें आप आ, अभी तलक के लिए याद रखो मिलता हूं मैं आप लोगों को बाय बाय टेक केयर सी यू